Hi everyone, welcome back to my channel. I am Lisa and thank you so much for joining me. So, ये है आपके लिए इस वीक का prediction, आपका horoscope as per your zodiac sign. So, zodiac sign आपको sun, moon और rising anyway, जो भी आपके लिए सबसे ज़्यादा most resonating होता है, आप उस basis पे इस reading को देख सकते हैं. And यहाँ पर मैं moon logic cards and other oracle cards सभी use करने वाली हूँ for this week की आपकी energy क्या रहेगी, आपकी personal life, professional life, overall आपके लिए ये वीक कैसा रहने वाला है. सो इसको स्टार्ट करते हैं विद लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी. डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प दिया हुआ है, अपने जोडिक साइन पर टैप करके आप अपनी रीडिंग को एंजॉय कर सकते हैं. सो मैं स्टार्ट करने वाली हूँ एरीज के साथ. अदर जोडिक साइन, आई विल सी यू इन योर रीडिंग. हाय एरीज, लेट्स सी आपकी करंट एनर्जी क्या आ रही है. बेसिकली ये वीक आपके लिए कैसा रहने वाला है, पर्सनल, प्रोफेशनली, इन ऑल वे. सो विद लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी स्टार्ट करते हैं. सो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, ठीक है. सो फॉर योर पर्सनल लाइफ द फूल इज कमिंग एंड फॉर योर करियर द क्वीन ऑफ कप, दैट्स रियली नाइस. एंड आपके लिए आपकी एनर्जी कैसी रहेगी, द मून. ओके, सो एरीज यहाँ पे जो तीनों ही कार्ड्स हैं बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जीज हैं फर्स्ट थिंग. एंड हेयर द फूल इज गिविंग मी द मैसेज. इफ आई विल टॉक अबाउट योर पर्सनल लाइफ, दैट इज मोस्टली आपके लिए ये एक नई शुरुआत है, ठीक है. इस वीक में कुछ नया, कुछ लव, कुछ एक्साइटमेंट, पैशनेट, फन रहने वाला है, ठीक है. तो आपको कुछ अच्छी गुड न्यूज़ मिल सकती है, समथिंग लाइक यू नो बिगनिंग, स्टार्टिंग इज कमिंग फॉर यू. सो पर्सनल लाइफ में ऐसा हो सकता है कि आप किसी से कनेक्ट हों, आप किसी से मीटिंग करें या फिर कुछ एक नई शुरुआत करें. आपका मेंटली आप बहुत ज़्यादा एक यू नो रीडिफाइन कर रहे हैं चीज़ों को. एज पर फूल एक नई शुरुआत, जहाँ ऐसा हो सकता है कि और लोग आपको बोले नहीं, शी इज़ नॉट गुड, ही इज़ नॉट गुड, या फिर ये स्टेप अच्छा नहीं है, ये डिसीजन सही नहीं है, या आप अपनी मन की ना करो. इस तरीके से आपको इस वीक में ऐसा हो सकता है कि पर्सनली आपको लोग थोड़ा सा सजेशंस दें, कुछ ओपिनियन रखें या जज करें ऑन दैट वे एज पर फूल. लेकिन आप कहीं ना कहीं पैशनेटली, जिसमें आप बिलीव रखते हो, जिसमें आप होप रखते हो, जिसके साथ आप खुश रहते हो, आप उन्हीं की तरफ आगे बढ़ने वाले हैं. ओके, सो इट्स समथिंग लाइक फ्रेश. और आपके लिए थोड़ा डेटिंग, अगर आप सिंगल भी हैं तो यहाँ पे एक लव रोमांस की वाइब्स आ रही हैं. सो ये वीक आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फन, लव एंड ईजी एंड चिलिंग रहने वाला है. सो दैट्स रियली नाइस. आई एम फीलिंग हैप्पी कि एक नई शुरुआत हो रही है. हो सकता है आप में से अगर एरीज किसी भी पर्सन का इस टाइम पे ब्रेकअप हुआ है या एंडिंग हुई है, किसी भी एक जोन की एक सेपरेशन वाइब्स चल रही हैं, या फिर यू नो वो जो स्ट्रगल था उसको आपने एंड किया है. सो दिस इज समथिंग, दिस इज अ न्यू वीक, न्यू डे, अ न्यू स्टार्टिंग फॉर यू. ओके, इसके साथ आपके करियर के लिए यहाँ पर आ रहा है क्वीन ऑफ कप, दैट्स रियली ब्यूटिफुल एनर्जी. आप खुद में बहुत इमोशनली सेटिस्फाई रहेंगे अपने काम को लेके, अपने करियर को लेके, अपने फील्ड को लेके, अपने स्टेटस को लेके, अपने प्रिपरेशन को लेकर. वो आपको एक प्रमोशन मिल रहा हो, या आपको रिकॉग्निशन मिल रहा हो, या फिर वो आपको एक मेंटल पीस दे रहा हो, आप अपने आप में ही काफ़ी फुलफिल फील कर रहे हैं, यू नो फुलफिलमेंट, कि हाँ मुझे ये सब कुछ मिल चुका है एंड आई एम हैप्पी. सो क्वीन ऑफ कप इज़ फॉर मैन, वेमेन, एवरीबडी जो खुद में ही इमोशनली और खुद की सेल्फ एस्टीम को लेके बहुत चीज़ें दिख रही हैं. मतलब कि आप इस वीक में ऐसा बहुत ध्यान देंगे कि आपकी खुद की सेल्फ एस्टीम, ठीक है, करियर को लेके, आपका स्टेटस, आपकी सैलरी और ब्रांड इमेज, और इसको करने से क्या होगा, ये यूनिवर्सिटी और नंबर वन, मीन्स यू नो यू वॉन्ट टू अपग्रेड योर सेल्फ, कि आपको हर चीज़ बिल्कुल हाई स्टेटस. सो दैट इज़ वेयर द क्वीन ऑफ कप इज़ कमिंग एज यू. आप अपने आप को प्रायोरिटाइज करेंगे, मतलब अपने आप को प्रायोरिटी देने वाले हैं, एंड दैट्स अ सक्सेसफुल एज वेल. क्वीन ऑफ कप आप काफ़ी सेटिस्फाइड आ रहे हैं इस वीक में, ठीक है. सो करियर वाइज यू कैन एक्सपेक्ट समथिंग गुड, और पर्सनली तो आपके लिए एक स्टार्टिंग हो ही रही है. एंड दैट इज़ द मून एनर्जी. मून एनर्जी भी इसलिए आ रही है आपकी इस वीक में क्योंकि फूल एंड द क्वीन ऑफ कप दोनों ही इमोशनल वाइब्स हैं, ठीक है. एक जगह पर आप एक नई शुरुआत कर रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं. सो एक जो नई शुरुआत होती है तो हम कहीं ना कहीं फियर के साथ रहते हैं, कुछ इल्यूजन रहता है, कोई डर रहता है, कोई इनसिक्योरिटी रहती है, क्योंकि हमें सब कुछ नहीं पता होता है. एंड दैट इज़ वेयर द मून. आप ऐसे रहेंगे कि कभी तो आप कॉन्फिडेंट फील करेंगे, आपको ऐसा लगेगा कि सब कुछ आई नो और आई कैन हैंडल, ये सब मुझे पता है, रियलिटी एंड एवरीथिंग. एंड अनदर मोमेंट आप ऐसा सोचेंगे कि इमोशनली कि यू नो कि ऐसा तो नहीं कि मेरे साथ कुछ ख़राब होगा, डर, फियर, यू नो इनसिक्योरिटी. सो मून यहाँ पर बता रहा है कि जैसे ही आपका वीक स्टार्ट होगा,
जितने मोटिवेटेड या पॉजिटिव आप रहेंगे तो आप पॉजिटिव ही रहने वाले हैं पूरे वीक। अगर आप ऐसे रहे कि आप स्टार्टिंग से ही थोड़ा लो, डल, इनसिक्योर, अगर आपने इस तरीके के इमोशंस को अट्रैक्ट किया, इस तरीके की एनर्जी को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया, तो आपके लिए वो एम्पलीफाई होगी, क्योंकि मून इज़ गिविंग मी द मैसेज कि जैसा आपके इमोशंस रहने वाले हैं फ्रॉम द बिगनिंग, आप उन्हीं को एम्पलीफाई कर देंगे। ठीक है, सो दिस इज़ समथिंग आपको इस वीक में खुद में ही मोटिवेटेड रहना है। इसी तरीके से आपको यहाँ पे ज़्यादा बेटर वीक अपने फेवर में होता नजर आएगा। ठीक है, सो फन, लव, हैप्पीनेस, सेटिस्फेक्शन, लेजर, पार्टी, ये सब चीज़ें दिख रही हैं। सो आपके लिए आया प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड। सो आई होप नाउ यू हैव दिस क्लैरिटी कि आपके लिए प्रॉस्पेरिटी आ रही है। एंड न्यू मून इन टॉरस, सो एक नई साइकिल की भी शुरुआत हो रही है। एरीज आप हैं और एरीज के बाद टॉरस सीजन होता है। ठीक है, सो समवेयर दिस इज़ कमिंग कि हाँ, आप जो भी काम कर रहे हैं, जिस भी चीज़ में आप आगे बढ़ रहे हैं, वहाँ पे आपको प्रॉस्पेरिटी मिलेगी। ठीक है, सो स्टार्टिंग इज़ कमिंग एज ग्रेट एज एवरी एनीथिंग। एंड अनदर मैसेज फॉर यू गाइज, एरीज, ऑल राइट, दीज आर वेरी स्टिकी कार्ड्स, या होल्ड योर विजन, फिक्स्ड मून, सो समहाउ दिस इज द टाइम, लाइक यू नो, आप अगर अपनी जर्नी में इन बिटवीन हैं और यू आर जस्ट थिंकिंग कि क्या होगा, सब कुछ सही होगा, अच्छा होगा या नहीं होगा, अपनी लाइफ में आप अपनी पर्सनल या प्रोफेशनली जिस भी पार्ट पे इस टाइम पे फोकस कर रहे हैं, दिस इज़ द टाइम, बिल्कुल भी गिव अप नहीं करना है। होल्ड योर विजन, जितना क्लियर विजन होगा, जितना कॉन्फिडेंट आप अपने ड्रीम्स को लेकर होंगे, जितना आप उसमें बिलीव रखेंगे, यू विल विन। सो ऑलरेडी हाफ वेज और एंड, मतलब आधा रास्ता आपने कवर कर चुके हैं और आपको अभी फुल कंप्लीट होना है। ठीक है, सो दिस इज द टाइम यू हैव टू जस्ट बी लाइक यू नो कि यस, यू आर वेरी कॉन्फिडेंट एंड करेजियस एंड यू विल विन। ओके, सो दीज आर द कार्ड्स फॉर यू। आई होप एरीज आपको इस वीक की क्लैरिटी मिली होगी। सो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे, सो डेफिनेटली सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर सच रीडिंग। पर्सनल रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं, पर्सनली जानना चाहते हैं अपने बारे में, सो मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग बुक करने के लिए। लिंक है वेब डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है वेबसाइट का, www.lizasimmi.com, वहाँ जाकर आप रीडिंग बुक कर सकते हैं। सी यू अगेन, बाय। हाय टॉरस, लेट्स सी व्हाट इज़ कमिंग फॉर यू। आपकी पर्सनल प्रोफेशनली ये वीक कैसा रहने वाला है, आपकी एनर्जी को भी मैं शेयर करूँगी, आपका मूड एनर्जी क्या रहेगी। और इसके साथ साथ वी विल सी फॉर यू कि आपके लिए मून लॉजी से क्या मैसेज मिल रहे हैं। सो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, इससे मुझे ब्लेसिंग्स मिलेंगी, आई विल बी हैप्पी। सो फॉर योर करियर, पेंटिकल्स पेंटिकल्स आ रहे हैं आपके लिए। सो यहाँ पर अगर मैं बात कर रही हूँ, लेट मी एक्सप्लेन यू, फर्स्ट मैं आपकी एनर्जी भी देख लेती हूँ इस वीक के लिए। एम्परर एनर्जी, सी तो कितना स्ट्रांग एनर्जी दिख रही है यहाँ पर। सो मोर और लेस आपके लिए नाइन ऑफ पेंटिकल जो आ रहा है आपकी पर्सनल लाइफ में, बहुत ही लेजर दिख रहा है। ठीक है, और आप अपने आप में इंडिविजुअल आ रहे हैं कि दिस इज़ मी। सो आप अपने अपने बहुत रियलिस्टिक दिख रहे हैं, प्रैक्टिकल दिख रहे हैं। सो टॉरस, आप यहाँ पर अपनी वेल विशिंग, योर ग्रोथ, योर राइट्स, या कि जो आप ओन करते हैं या फिर जो आप डिजर्व करते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में सोचेंगे। ठीक है, कोई आपको रेस्पेक्ट दे रहा है या नहीं दे रहा, कितनी आपको मिलनी चाहिए, क्या आपकी वर्थ समझ में आ रही है किसी को या नहीं आ रही, इस तरीके के थॉट्स आपके मन में चलेंगे और उसी वजह से आप काफ़ी रिजर्व्ड आ रहे हैं। ठीक है, नाइन ऑफ पेंटिकल, थोड़ा दूर हो रहे हैं, अलग हो रहे हैं, सेपरेटली होके देख रहे हैं सिचुएशन को कि क्या सब कुछ, मतलब जैसा आप एक्सपेक्ट करते हो या फिर आप सोचते हो कि किसी की तरफ से ऐसा एक्शन रहे, तो कि क्या वो आपको मिलेगा या नहीं मिलेंगी चीज़ें। ठीक है, मतलब जितने एफर्ट्स आप देना चाहते हैं या फिर जो आप कमिटमेंट रखना चाहते हैं कि क्या आपको वैसा मिलेगा, तो आप यहाँ पे बहुत ही स्ट्रांग, पावरफुल मैन एंड वीमेन ऐसे दिख रहे हैं कि यू नो, इंडिविजुअलिटी, आपकी खुद की इंडिविजुअलिटी क्या है, व्हाट यू आर, व्हाट यू डिज़र्व, इन सब के बारे में आप बहुत सोचेंगे टॉरस। इसके साथ साथ नाइन ऑफ पेंटिकल यहाँ पे बता रहा है आपके लिए लेजर एंड फन भी आ रहा है, दैट्स रियली गुड। दिस मीन्स समहाउ इस वीक में काफ़ी आप अपने आप में यू नो, आप हो सकता है पार्टी, गेट टुगेदर, इन्वॉल्वमेंट, ऐसा कुछ प्लान हो आपका, या फिर आप थोड़ा वेकेशन लें, या फिर होल्ड ऑन, लाइक यू नो, आप अपने घर में ही रहें, इस तरीके से थोड़ा सा ब्रेक भी दिख रहा है। ठीक है, ब्रेक इन द सेंस कि कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा सुकून ले रहे हैं, सांस ले रहे हैं, ब्रीथ, यू नो, रिलैक्स दिस वे। और इसके साथ साथ बहुत प्रैक्टिकल एंड रियलिस्टिक हो रहे हैं। सो या नाइन ऑफ पेंटिकल इज़ ऑल लाइक यू नो, यू एंड योर एफर्ट्स,
वॉट यू डिजर्व, सब सारी चीज़ें यहाँ पे बहुत ही रियलिस्टिक आ रही हैं. हो सकता है आप कमिटमेंट का वेट करें, ठीक है. सो इट्स अ ग्रेट एनर्जी एक्चुअली, इट्स रियली गुड एनर्जी कि आपको कोई भी कहाँ से भी कौन परेशान कर रहा है, फिर भी आप अपने आप में इंडिविजुअली स्टैंड ले रहे हैं, दैट्स गुड. इसके साथ नाइन ऑफ पेंटिकल आ रहा है आपके लिए, दैट इज नाइट ऑफ पेंटिकल फॉर योर करियर. सो यहाँ आप ज़्यादा से ज़्यादा एक स्टेबिलिटी अचीव भी कर सकते हैं इस वीक में, मतलब समथिंग गेन कि ये आपको मिल गया, ये आपकी पोजीशन है. और कहीं ना कहीं आप में से कुछ पर्सन ऐसा भी फील कर सकते हैं कि ये तो हो गया सब कुछ, व्हाट्स नेक्स्ट. सो आप कहीं ना कहीं इसी वीक में बहुत प्रिपरेशन करने वाले हैं, समथिंग लाइक कि जैसे हम कुछ अचीव कर लेते हैं अपनी लाइफ में माइलस्टोन, एंड देन वी फील सो कि अब क्या, आगे क्या, ठीक है. सो यू आर हेयर, यू आर वेरी स्ट्रांगली पावरफुली यहाँ पर आप आ रहे हैं, दिख रहे हैं, और रियलिस्टिक होके अब आगे का प्लान करना चाहते हैं. द हॉर्स इज जस्ट स्टैंडिंग, वो कहीं आगे नहीं चल रहा है, वो रुका हुआ है, सोच रहा है कि ये सब मिल गया, राइपनेस हो गई, मैं यहाँ पर पहुँच गया, अब क्या. सो दिस इज द वीक वेयर यू विल एनालाइज योर ओन थिंग, अपनी लाइफ को आप एनालाइज करोगे कि हाँ ठीक है, करियर में ये सब हो चुका है, इस जर्नी पर मैं हूँ, अब क्या, नेक्स्ट क्या, ठीक है. सो दैट इज़ वेयर आप दोनों ही अर्थ एनर्जी आ रही हैं, सो बहुत प्रैक्टिकल एंड रियलिस्टिक दिख रहे हैं, एंड दैट इज़ वेयर द एम्परर इज़ कमिंग योर एनर्जी, ठीक है. ये आपकी प्रिडिक्शन है इस वीक की, और ये आपकी एनर्जी है एम्परर. एम्परर एनर्जी अपने आप में रूलिंग एनर्जी है, किंग एनर्जी है, दैट इज़ द रॉयल एनर्जी. सो ऑनर, रेस्पेक्ट, प्रेस्टीज, लाइफ स्टाइल, एंड कौन इंसान है आपके साथ, क्या स्टेटस है, ये सब चीज़ें. तो हो सकता है कि अगर आप मैरिज का लेके कुछ प्लान कर रहे हैं, सो उनकी फैमिली कैसा लाइफ स्टाइल है, कौन लोग हैं, इस तरीके से आप कुछ चीज़ों में ज़्यादा इन्वॉल्व रहेंगे. सो एम्परर एनर्जी आप रूल कर रहे हैं, दिस इज़ द वीक फॉर यू किंग, ठीक है. ज़्यादा प्रैक्टिकल, मेजोरिटी के को लेकर ऑब्जर्व करना, एनालिसिस करना, इस तरीके से आप ज़्यादा दिख रहे हैं. बहुत तो ऐसे पर्सन दिख रहे हैं इस वीक में आप जो रहेंगे टॉरस की, हर कोई आपको जानेगा कि अच्छा कि ही इज़ टेकिंग स्टैंड, शी इज़ टेकिंग स्टैंड, वो अपने लिए कुछ कर रहे हैं, कुछ आगे बढ़ रहे हैं, कुछ ऑप्शंस ले रहे हैं, एक्शंस ले रहे हैं, इस तरीके से, ठीक है. सो इंडिविजुअली यू आर कमिंग एज पावर, जैसे कि एक लीडर होता है, हेड, ठीक है. हो सकता है कुछ डिसीजंस लें, इसलिए भी एम्परर एनर्जी यहाँ पे वाइब्स आ रही हैं. बिग डिसीजंस ऑफ योर लाइफ दोनों ही पार्ट पे दिख रहा है, लाइक नाइन ऑफ पेंटिकल. आप अपनी पर्सनल लाइफ में कुछ डिसीजन लेना चाहें. सो देखते हैं मून एनर्जी आपको क्या बता रही है. इमोशंस आर रनिंग हाई, सुपर मून, दैट इज़ वेयर कहीं ना कहीं आप अपने आप में अपनी वर्थ, आप क्या हैं इंडिविजुअली, इस चीज़ को लेके यहाँ पे बहुत सोच सकते हैं. बहुत ज़्यादा डिसीजन लेने के लिए बहुत बहुत ज़्यादा सोचना, प्रैक्टिकली रियलिस्टिक वे में भी, फैमिली के बारे में भी, देन अपनी खुद की इंडिविजुअल चॉइस, हर चीज़ को लेके आप यहाँ पे ऑब्जर्व करने वाले हैं, ठीक है. हो सकता है फैमिली से लेकर आपको कुछ इन्वॉल्वमेंट रहे, या कुछ डिसीजन हो, डिस्कशन हो, ठीक है. ऐसे चांसेस बन रहे हैं, एंड दैट इज़ योर अनदर लुक एट द बिगर पिक्चर, ठीक है. सो दिस इज इम्पॉर्टेंट, दिस इज़ द टाइम टू लुक फॉरवर्ड फॉर अ बिगर पिक्चर, क्योंकि ये अब एक स्मॉल स्मॉल बेबी स्टेप या फिर बहुत छोटे छोटे टारगेट्स का टाइम नहीं है. दिस इज़ द टाइम जहाँ पर आप जैसे कुछ चीज़ों में अचीव कर चुके हैं करियर वाइज, आपको यू हैव टू लुक फॉरवर्ड फॉर अ बिगर पिक्चर कि अब आपको की टारगेट अचीव करना है, विच वन दैट वुड बी अ बिग, ठीक है, नॉट स्मॉल. तो कहीं ना कहीं जो आपकी लाइफ को बहुत चेंज कर रहा हो. सेम नाइन ऑफ पेंटिकल इज गिविंग विद द मैसेज अबाउट यस, आप यहाँ पर एक लॉन्ग टर्म प्लान को लेके कुछ डिसीजन लेंगे. सो टॉरस, दिस इज ऑल फॉर यू. आई होप दिस रीडिंग विल गोइंग टू रेजोनेट, एंड अगर आप पर्सनल रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं, आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, जानना चाहते हैं आपके लिए आपके कार्ड्स क्या कहते हैं, सो आप रीडिंग बुक कर सकते हैं www.lizasimmi.com. डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, सो गो एंड यू कैन बुक अ सेशन. इसके साथ साथ इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर सच रीडिंग्स. सी यू अगेन, बाय. हाय जेमिनाइन, लेट्स सी योर पर्सनल एंड प्रोफेशनली क्या प्रिडिक्शन है इस वीक की. इसके साथ साथ मैं आपकी एनर्जी भी शेयर करूँगी इस वीक के लिए, क्या एनर्जी आ रही है. सो हेयर आई मस्ट से प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, इससे मुझे ब्लेसिंग्स मिलेंगे, मुझे खुशी होगी. सो फर्स्ट फॉर योर पर्सनल लाइफ, फाइव ऑफ वॉन्ड्स फॉर योर करियर, क्वीन ऑफ कफ एंड योर एनर्जी, टू ऑफ वॉन्ड्स, फायर एनर्जी काफ़ी दिख रही है यहाँ पर. आपका खुद का जील, योर पैशन, योर थॉट्स, बेसिकली नॉट इवन थॉट्स, मोर अबाउट डिज़ायर, ठीक है.
थॉट्स तो हमारे माइंड से आते हैं, डिज़ायर हमारी इंट्यूशंस क्रिएट करती हैं, यू नो चॉइसेस एंड एवरीथिंग. सो यहाँ पे मैं सबसे पहले शेयर करना चाहती हूँ, एज़ पर योर पर्सनल लाइफ फाइव ऑफ वॉन्ट्स क्लैशेज आने वाले हैं, ठीक है. इस वीक में ओपिनियन मिसमैच हो सकती है, वो फैमिली के साथ हो, सिबलिंग्स के साथ हो, या रिलेशनशिप में, और इवन समवेयर की जहाँ यू नो जहाँ जो भी आपकी सोशल लाइफ है. क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि जैसे कि आप गोट, ठीक है, कि और लोग आपके ऊपर एकदम से बरसने वाले हैं, कुछ ना कुछ रीज़न से आपके ऊपर क्लेम करने वाले हैं, जैसे कि आपकी मिस्टेक्स हो, या आपको दबाना, आपको सप्रेस करना, कहीं ना कहीं आपकी जो ओपिनियन है या फिर आपका जो स्टैंड है उसको इग्नोर करना, हटाना, दूर करना. मतलब सीधी सी बात है तो फाइव ऑफ वॉन्ड्स पर्सनल लाइफ में कहीं ना कहीं आपकी चॉइस या आपकी जो बातें हैं या आपकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो फुलफिल नहीं होना, और उन चीज़ों को हटाया जाए, इग्नोर किया जाए, आपको दबाया जाए, आपको दूर किया जाए, ठीक है. सो ये हो सकता है फैमिली और मैरिज और समथिंग, इवन रिलेशनशिप, इवन आप दोनों पार्टनर के बीच में अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो आपको ऐसी चीज़ दिख सकती हैं. और कहीं ना कहीं आप जहाँ पे भी सोशली कनेक्टेड हैं वहाँ पे कुछ यहाँ पर नेगेटिव एनर्जीज आ रही हैं, मतलब कि कॉम्पिटिटिव, जेलिसी, एनवी, इस तरीके की वाइब्स दिख रही हैं, ठीक है. सो ये वीक ऐसा हो सकता है कि उस बेसिस पे, मतलब कि जैसा आपके सामने रिएक्शन रहे, जैसे आपके सामने चीज़ें दिखेंगी उस बेसिस पे आप कुछ स्ट्रॉन्ग डिसीजंस भी ले लें, क्योंकि आपकी एनर्जी में वो दिख रहा है, ठीक है. सो क्वीन ऑफ कप इज़ कमिंग फॉर यू फॉर योर करियर एंड दैट्स रियली ब्यूटिफुल. ये भी रीज़न हो सकता है कि कहीं ना कहीं आप अपने करियर में आगे प्लान कर रहे हैं, कुछ उम्मीद रखते हैं, कुछ डिज़ायर रखते हैं, सेल्फ एस्टीम की डिज़ायर, एक अच्छी पोजीशन की डिज़ायर. यू कैन सी द क्राउन हेयर, दिस इज़ ऑल लाइक यस, आप यू आर सिटिंग, प्रोस्पैरिटी है, आपको रिचनेस मिल रही है, मनी मिल रहा है. यू कैन सी ऑल लाइक यू नो द येल्लो, दैट इज़ ऑल कि हाँ आपके लिए एक एक प्रोस्पैरिटी. सो करियर वाइज यहाँ पे प्रोस्पैरिटी दिख रही है, और आप उसके लिए एक्शंस ले सकते हैं, अपनी तरफ से काम कर सकते हैं, उस तरीके से आप अपने नज़रिए को ले सकते हैं इस वीक में. और ये भी रीज़न हो सकता है कि आप पर्सनली फिर वहाँ पे क्लैशेस चल रहे हैं, ठीक है. मीन्स समहाउ जो आप अपने करियर में कुछ करना चाहते हैं और उसके लिए जब आप स्टैंड ले रहे हैं, सो जो पर्सनली जो आपकी लाइफ में जो लोग हैं, इन्वॉल्वमेंट है, उनका सपोर्ट नहीं होना, ठीक है. या फिर आप जैसा चाहते हैं अपने लिए जॉब चेंज और एनीथिंग, ट्रैवलिंग ऑप्शंस, अपॉर्चुनिटी, उन बेसिस पे आपके जो आसपास लोग हैं उनका जेलिसी फील करना. सो दैट इज़ वेयर यू नो क्वीन ऑफ कप, आप अपने आगे बढ़ें, आपके करियर वाइज आपके लिए बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ दिख रही हैं, बहुत ही बेहतर कार्ड आ रहे हैं. सो जेमिनाइन, दिस इज़ द टाइम टू रूल, ओके. यू हैव टू बी लाइक अ क्वीन ऑफ कप. आप वो चीज़ जो आप चाहते हैं वो आपको मिलेगी, और ये यहाँ दिख भी रही है, ठीक है. सो इस वीक में आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा, आपको आगे ऑप्शन, थॉट्स, अपॉर्चुनिटी, चॉइसेस, सेटिस्फेक्शन एंड प्रोस्पैरिटी मिल सकता है करियर में. एंड पर्सनली तो चीज़ें मुझे ठीक नहीं लग रही हैं, कहीं ना कहीं डिबेट एंड क्लैशेस, कन्फ्लिक्ट्स दिख रहे हैं, वो सोसाइटी के बिलीफ्स हों, थॉट्स हों, या फिर उनके ओपिनियन, और आप या लोग, एनीबडी. इसके साथ आपकी एनर्जी आ रही है टू ऑफ वॉन्ड्स, दिस इज़ योर एनर्जी जहाँ मैं बोल रही थी, तभी आपके लिए यहाँ पे ऑप्शंस दिख रहे हैं. अब आप फ्यूचर के बारे में सोचेंगे और डिसीजन लेने वाले हैं, ठीक है, इस वीक में. चॉइसेस के बीच में, दो पर्सन के बीच में, दो अपॉर्चुनिटी के बीच में, दो ऑप्शंस के बीच में, और कि ये ठीक है या ये ठीक है, कहीं ना कहीं यहाँ पर दिख रहा है कि आप अपने मन को फॉलो कर रहे हैं. सो गो विद योर इंट्यूशन. जो डिसीजन लेना है जेमिनाइन, दिस इज अ वीक जहाँ पर गो विद योर इंट्यूशन, वो करियर का हो या पर्सनल लाइफ का हो, ठीक है. सो टू ऑफ वॉन्ट्स आपके लिए आगे ऑप्शन ऐसे भी आ सकते हैं कि एक ग्लोब दिख रहा है मुझे, मतलब एक आपका फ्यूचर दिख रहा है, होल योर वर्ल्ड. सो यहाँ पे पॉसिबिलिटीज बन सकती हैं आपके लिए कि इस वीक में आपको कुछ ऑप्शंस लेने हो, डिसीजंस लेने हो, और जो आपका फ्यूचर डिफाइन करेंगे कंप्लीटली, ठीक है. सो लेट मी चेक मून लॉजी से आपके लिए क्या आ रहा है. सो फर्स्ट फॉर यू द विन विन आउटकम इज फोरकास्ट. सो सी आपके लिए विन विन आउटकम आ रहा है, दिस मीन्स कि आपकी विनिंग होगी, आपकी विक्ट्री होगी, और तभी आपके लिए यहाँ पे बैलेंस आ रहा है. टू ऑफ वॉन्ड्स, दोनों तरफ आपका ही फायदा है, आपको कहीं ना कहीं एक बेस्ट डिसीजन को लेना होगा कि ये या वो, ठीक है. सो बैलेंस आ रहा है यहाँ पर भी, और लिब्रा एनर्जी दिख रही है. लिब्रा एनर्जी इज ऑल अबाउट लाइक यू नो द बैलेंस
एंड अनदर वी हैव द बैलेंस स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी. सो बैलेंस ही आ गया, मैं बार बार बोल रही थी. आई थिंक दैट इज़ वेयर द एंजल्स वॉन्ट यू टू नो दिस इज़ द टाइम कि जहाँ पर आपको स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी को बैलेंस करना होगा. ठीक है, बहुत ज़्यादा इमोशनल होके नहीं डिसीजन लेने होंगे, बिकॉज क्वीन ऑफ कप भी यही बोल रहा है कि आपको अपनी सेल्फ एस्टीम को भी मेंटेन रखना है और आपको इमोशनली जो जो चाहिए वो भी यहाँ पर आपके लिए, यू नो, यू हैव टू टेक अ स्टैंड. एंड फाइव ऑफ वॉन्ड्स सिमिलर. सो दिस इज़ द वीक जहाँ पे स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी को बैलेंस में लेके चलें तो आपके लिए फ्रूटफुल होगा. सो दिस इज ऑल फॉर यू जेमिनाइन. आई होप दिस रीडिंग विल गोइंग टू रेजोनेट. इसके साथ साथ अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं एंड यू आर इंटरेस्टेड इन टू सी टू नो आपके कार्ड्स आपको क्या कहना चाहते हैं, सो आप रीडिंग बुक कर सकते हैं www.lizasimi.com. ये मेरी वेबसाइट का नेम है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टैप करके आप वहाँ पर बुकिंग कर सकते हैं. सो दिस इज ऑल एंड इफ यू आर न्यू टू माई चैनल प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर सच रीडिंग. सी यू अगेन, बाय. हाय कैंसर, लेट्स सी आपकी पर्सनल एंड प्रोफेशनली ये वीक कैसा रहेगा, योर प्रिडिक्शन. साथ में एनर्जी भी आपके लिए इंडिकेट करूँगी, बताऊँगी आपकी एनर्जी कैसी आ रही है इस वीक के लिए एंड मून लॉजी से क्या गाइडेंस आ रही है. सो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, इससे मुझको ब्लेसिंग्स मिलेंगी, मुझको खुशी होगी. सो आपकी पर्सनल लाइफ में आ रहा है एट ऑफ वॉन्ड्स, योर करियर एज एस ऑफ पेंटिकल एंड योर एनर्जी इज क्वीन ऑफ पेंटिकल, कम्प्लीटली पॉजिटिव. सो कैंसर, यहाँ पर आपके लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग कार्ड्स आ रहे हैं. पर्सनल लाइफ की बात करूँ तो बहुत ही ब्यूटिफुल है. इन्जॉय, हैप्पीनेस, सपोर्ट, कॉपरेशन, केयर, अंडरस्टैंडिंग, सारी जो पॉजिटिविटी है वो यहाँ पर दिख रही है. तो ये वीक है एक ऐसा कि जहाँ गुड न्यूज़, सेटिस्फैक्शन, सेलिब्रेशन, हैप्पीनेस एंड यू नो काइंड ऑफ एनर्जी कि जहाँ आप ऐसा फील करेंगे कि हाँ आप आगे बढ़ रहे हैं. ऐसा नहीं है कि आप स्टक हैं, लोनली हैं, एग्जॉस्टेड हैं, ऐसा बिल्कुल फील नहीं होगा. यू कैन सी द बोट और आप आगे जा रहे हैं एंड दिस स्वान दैट इज़ ऑल अबाउट द लव. ठीक है, एंड यू कैन सी हेयर डॉल्फिन्स, बहुत ही हैप्पी और यू नो कनेक्शन आ रहा है. सो फैमिली का कनेक्शन, सपोर्ट, हो सकता है आप उनसे मिलें, गेट टुगेदर हो, या रिलेशनशिप में भी बहुत अंडरस्टैंडिंग दिख रही है. सो दिस इज़ द वीक इज़ ऑल अबाउट फन, हैप्पीनेस, इन्जॉयमेंट एंड फील पॉजिटिव. अपने लिए नहीं और अपनी फैमिली के लिए भी, अपनी रिलेशनशिप के लिए भी, हर पार्ट पे मुझे यहाँ पर आपके लिए बहुत अच्छा पॉजिटिव वाइब्स दिख रही हैं. सो ग्रेटिट्यूड शो करो एंड बी हैप्पी. आप इस वीक को अच्छे से इन्जॉय करेंगे. ठीक है, इसके साथ साथ यहाँ पर आपके लिए जो आपके करियर के लिए आ रहा है एस ऑफ पेंटिकल एंड दैट इज़ वेयर द थिंग्स आर. करियर वाइज आपके लिए बहुत स्ट्रांगली पॉजिटिव एनर्जी आ रही है कि जिस भी चीज़ में एफर्ट्स डाल रहे हो, एस ऑफ पेंटिकल दिस इज़ द टाइम जो मैनिफेस्ट किया है, जो ड्रीम कि ये स्टेप लिया और इससे आगे पहुंचना है, तो वो आपका जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो ड्रीम पूरा होगा. और एस ऑफ पेंटिकल बता रहा है कि आप उसी चीज़ पे इस वीक में बिजी रहेंगे, उसी काम को करेंगे, डेडिकेशन दिख रहा है. यू कैन सी द हार्ड वर्क, दिस इज़ ऑल अबाउट लाइक यू नो द बॉडी शेप एंड एवरीथिंग. और आप वहाँ से आगे बढ़ रहे हैं, इनिशिएट ले रहे हैं. सो इस वीक में आप कुछ नया कर सकते हैं, स्टार्टअप कर सकते हैं, कोई ड्रीम, कोई प्लान, जो आइडिया है, जो वर्क है, उसको स्टार्ट कर सकते हैं. और समथिंग, दिस इज़ द बेस्ट टाइम, यू नो नाउ इज़ द टाइम फॉर यू एस ऑफ पेंटिकल. जो भी ड्रीम है करियर को लेकर, उसकी शुरुआत आज से ही करें, फर्स्ट ब्रिक आज ही रखें. तो इस तरीके से आपके लिए एनर्जी आ रही है. सो दैट्स रियली नाइस. आपके लिए मोटिवेटेड वीक रहेगा, सेटिस्फैक्ट्री वीक रहेगा. आप बहुत ही पूरे मन से इस वीक में करियर में अपना पैशनेटली यू नो डेडिकेशन के साथ काम करने वाले हैं. सो दैट इज़ ऑल्सो ग्रेट. सो हो सकता है आपने जिस जर्नी को अभी तक फुल आगे बढ़े हैं, प्लान किया है, उसमें आपको यहाँ पे सेटिस्फेक्शन देखने को मिले और कुछ ऑप्शन, कुछ अपॉर्चुनिटी जहाँ आपने शुरुआत करें. और क्वीन ऑफ पेंटिकल ये आपकी एनर्जी है, लीडर एनर्जी, आप समझ सकते हैं, एम्बिशियस, यू नो एक लीडर, एक विमेन एनर्जी आ रही है. सो विमेन एनर्जी इज़ नॉट समथिंग कि खाली विमेन के लिए है. ये एक एनर्जी है कि जो दिख रही है कि आप अच्छे से मैनेज कर पाएंगे इस वीक को, आप पेशेंस रखेंगे, आप अपने विजन और अपने डिसिप्लिन और अपने यू नो प्लान्स को लेकर, शेड्यूल को लेकर बिल्कुल जैसा चाह रहे हैं, आउटकम, डेडलाइन, जिस टाइम तक चीज़ों को करना चाहते हैं, वो सब चीज़ कर पाएंगे. एंड दैट इज़ वेयर द क्वीन ऑफ पेंटिकल. आप अपने आप में ही एक रिजर्व्ड और पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ यहाँ दिख रहे हैं. सो ये भी काफ़ी ऐसा दिख रहा है कि ज़्यादा आप सिंसियर दिख रहे हैं, रिजर्व दिख रहे हैं, तो अपने गोल करियर को लेके काफ़ी सीरियस दिख रहे हैं. ठीक है, तो आपका बिजी रहना
बेसिकली कॉमन है. सो दैट्स नाइस, एनर्जी बहुत कॉन्फिडेंट आ रही है और रिजर्व आ रही है, सो दैट्स गुड. क्योंकि आप अपना फोकस इधर उधर भटकाएंगे नहीं इस वीक में, डेडिकेटली एक चीज़ में काम करेंगे. ओके, सो अमेजिंग, किसी तरीके की डिस्टर्बेंस नहीं रहेगा. सो देख लेते हैं क्या आ रहा है. लुक एट द बिगर पिक्चर, यस, अपने विज़न को लेकर ही आगे चलें. जितना विज़न पे ध्यान देंगे अपने लिए तो उतना आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा. इसीलिए आ रहा है यहाँ पे लुक एट द बिगर पिक्चर. ठीक है, दिस इज़ द टाइम फॉर यू टू डिसाइड कि लॉन्ग टर्म प्लान क्या होना चाहिए, तभी तो आप यहाँ से विज़न को. तो दिस मीन्स अगर आप अपने मन में कोई भी मैनिफेस्ट कर रहे हैं ड्रीम, वो नेक्स्ट 3 मंथ्स का, 5 मंथ्स का, तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट अप, सो दैट आप उसको फुलफिल होता देख पाएं जल्दी से जल्दी. ठीक है, अनदर मैसेज फॉर यू, अफेयरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस, फुल मून इन एरीज. सो एरीज सीजन भी, जैसे मैंने आपको बोला, नेक्स्ट 3-4 मंथ्स में चीज़ें दिख रही हैं आपके लिए, दैट इज़ वेयर. तो आपके लिए क्लाइमेक्स, आपके लिए फाइनली एंडिंग एंड कंक्लूजन यहाँ पे देखने को मिलेगा. जिस चीज़ की आप इनिशिएट ले रहे हो उसमें आपको सक्सेस मिलेगी. ठीक है, सो कीप हाई होप्स, मोटिवेटेड रहिए. ओके, सो दैट्स रियली नाइस. लीडरशिप एनर्जी आ रही है, एरीज यहाँ पे आपके लिए बहुत रॉयल एनर्जी को शो कर रहा है. दैट इज़ अबाउट द एम्परर एनर्जी. ठीक है, पावर, स्टेबिलिटी इन योर हैंड. सो कैंसर, दिस इज ऑल फॉर यू. आई होप दिस रीडिंग विल गोइंग टू रेजोनेट. पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, पर्सनली अपने कार्ड्स के बारे में जानना चाहते हैं, सो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं www.lizasimi.com, ये मेरी वेबसाइट है. डिस्क्रिप्शन में लिंक है, गो एंड विजिट, और अपने लिए आप रीडिंग बुक, एक सेशन बुक कर सकते हैं. एंड इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर सच रीडिंग्स. सी यू अगेन, बाय. हाय लियो, लेट्स सी आपकी पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ के लिए क्या मैसेज आ रहे हैं. सो यहाँ पर मैं आपकी प्रेडिक्शन एज वेल एज एनर्जी शेयर करूँगी, इस वीक की एनर्जी क्या रहेगी, और मूनलॉजी से गाइडेंस भी. सो विद लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी लेट्स स्टार्ट दिस रीडिंग. और प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, इससे मुझको ब्लेसिंग्स मिलेंगी और मुझको खुशी भी होगी. सो फर्स्ट, द करियर, सॉरी द पर्सनल लाइफ, द वर्ल्ड इज कमिंग फॉर योर करियर, द सन, वाओ, काफ़ी मेजर आकाना आ रहे हैं आपके लिए लियो. एंड योर एनर्जी फॉर दिस वीक इज 3 ऑफ पेंटिकल, दैट्स रियली अमेजिंग. काफ़ी स्ट्रॉन्ग कार्ड्स आए हैं, और सबसे पहले तो द वर्ल्ड इज़ कमिंग फॉर यू. सो पर्सनल लाइफ में फुल ही सेटिस्फाई आ रहे हैं आप. सो लियो, यू विल गोइंग टू बी लाइक दिस कि हाँ, कि जो चाहिए वो है आपके पास, जितना सेटिस्फेक्शन होना चाहिए था वो आपको मिल रहा है. तो आप मेंटली यहाँ पे बिल्कुल ऐसा लोनली, एग्जॉस्ट, फ्रस्ट्रेटिंग और फीलिंग लाइक यू नो नथिंग इज़ इन योर फेवर, ऐसा नहीं फील करेंगे. आप बहुत खुश रहेंगे, और हो सकता है कि आपके लिए एक अच्छी, आप अपनी फैमिली के साथ ज़्यादा गेट टुगेदर करें, ज़्यादा टाइम स्पेंड करें, या जो फैमिली रिलेटेड कुछ जो चीज़ें हैं उसमें ज़्यादा टाइम स्पेंड करें. और मोर और लेस रिलेशनशिप में भी मुझे बहुत अच्छा बॉन्ड दिख रहा है. दैट इज़ वाई यू नो द वर्ल्ड इज़ लाइक कप, पेंटिकल्स, वॉन्ड्स एंड सॉर्ड. तो सब चीज़ आपके फेवर में होना. सो पर्सनली आप यहाँ पे बहुत खुश होने वाले हैं इस वीक में, हैप्पी रहेंगे, सेटिस्फाइड रहेंगे, कॉन्फिडेंट रहेंगे. और स्पेशली तो अपनी जो विशेस हैं, जो आप अपने मन में चाहते हैं कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा रहे, ऐसे खुश रहें, तो वो यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है. ठीक है, तो छोटी छोटी जो विशेज़ हैं आपकी, या फिर आपके जो कोई प्लान था, वो ट्रिप का हो, क्योंकि वर्ल्ड आ रहा है यहाँ पे, सो ट्रैवलिंग हो गई, या फिर बैक टू होम हो गया आपके लिए, कि वापस घर आ रहे हैं आप, या कुछ चीज़ों में कम्युनिकेट कर रहे हैं इस तरीके से कि हाँ, फाइनली आपके फेवर में हो रही है वो मैरिज, वो लव मैरिज, और इवन द गुड प्रपोजल, अच्छा अलायंस आपको मिल सकता है. ठीक है, सो द वर्ल्ड इज़ फॉर एवरीबडी लाइक अ बिग सक्सेस. आप यहाँ पे अपने आप में बहुत खुश रहने वाले हैं. सो लियो, आपके लिए यहाँ पर आ रहा है विक्ट्री. अनदर द सन इज़ कमिंग फॉर लियो. सो ये आपके लिए ही कार्ड है, आपका ही ये एनर्जी है. सन आपके लिए आ रहा है, सो करियर वाइज यू विल बी एट द टॉप. ये एक ऐसा वीक है जहाँ पर आप कॉन्फिडेंट भी फील करेंगे, एक नई शुरुआत कर रहे हैं. जैसे सन राइज करता है ना, पूरा कॉन्फिडेंटली अपने तरफ से आप अपने टैलेंट, अपनी क्वालिटीज़, अपनी स्किल्स, मोटिवेशन, जो गोल है उसकी तरफ आगे बढ़ने वाले हैं. ये वीक में आपको कोई डाउट या कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा कि करूँ नहीं करूँ, ऐसा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, सो एंड सो. क्योंकि सन इज़ ऑल अबाउट योर सोल, एंड यहाँ इस वीक में आपकी सोल कम्प्लीटली रेडी आ रही है कि यस, इट्स कम्प्लीटली अलाइन विद यू. आपका माइंड, बॉडी,
एंड सोल एवरीथिंग इज लाइक अलाइन टू यू आर वेरी रेडी टू फोकस. सो सन यहाँ पे बहुत पॉजिटिव गुड न्यूज भी बता रहा है, सेलिब्रेशन भी बता रहा है, सम गवर्नमेंट जॉब होप एक्सपेक्टेशन रिजल्ट इन सब चीज़ों में भी आपके लिए यहाँ पे सेलिब्रेशन मूड दिख रहा है. ठीक है. सो लियो इट्स यू लीडर. आप यहाँ पर आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिल सकती हैं कुछ लीडरशिप की, दैट इज़ वाई द सन इज़ ऑल्सो देयर. और कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे अब एक्ट भी ऐसा ही करना चाहिए कि येस यू आर द बॉस. इट्स नॉट अबाउट द डोमिनेंसी और ईगो, इट्स अबाउट द कैलिबर. आपके अंदर वो पोटेंशियलिटी है, आप अपने टैलेंट अपने वर्क अपना पैशन अपनी नॉलेज एंड स्किल्स से हर किसी की लाइफ में हैप्पीनेस ला सकते हैं. ठीक है. सो बिलीव दिस एंड फील योर पोटेंशियल एंड देन स्टार्ट वर्किंग. इसके साथ लियो आपके लिए थ्री ऑफ पेंटिकल आ रहा है. सो दिस इज़ योर एनर्जी, फन लव कनेक्शन यूनिटी प्रोस्पैरिटी मनी इन्वेस्टमेंट एवरीथिंग. यहाँ पर आप हर जगह पर बहुत कॉन्फिडेंट एंड हैप्पी आ रहे हैं. सो ये वीक आपका आ रहा है थोड़ा सा गेट टुगेदर का, मतलब यूनिटी और टीम के साथ काम करने का. सो ये वीक ऐसा होगा कि जहाँ पर आप ऐसा अपने आप में सपोर्टिव और अंडरस्टैंडिंग एंड कोलैबोरेशन यहाँ दिख रहा है इस वीक की एनर्जी. ठीक है. सो आपको अच्छा फील होगा, मिलजुल के साथ आप आगे बढ़ेंगे. तो ये वीक में कोई फाइट, इस वीक में कोई सेपरेशन, इस वीक में कोई दूरियाँ, ऐसी चीज़ें नहीं दिख रही हैं. इस वीक में आप ज़्यादा जो आप करियर ओरिएंटेड हो रहे हैं जो लोग, या फिर अपनी तरफ से जो अपने टास्क अपने गोल को कंप्लीट करना चाहते हैं, तो आप काफ़ी सपोर्टिव एंड कोऑपरेटिव दिख रहे हैं एक दूसरे के साथ. तो यहाँ पे यूनिटी की वाइब्स आ रही हैं. आप सोशली काफ़ी अच्छे पॉजिटिव दिख रहे हैं यहाँ पर. ठीक है. सोशली आप यहाँ पर काफ़ी कॉन्फिडेंट रहेंगे, मिलजुल के रहेंगे, खुश ही रहेंगे, खुश सेटिस्फैक्शन. ओके. सो लेट मी चेक नाउ मून लॉजी से क्या मैसेज है आपके लिए. यू आर गुड इनफ एज आई टोल्ड यू ऑलरेडी, लाइक यू नो यू आर गुड इनफ. आपको अगर अपने ऊपर डाउट हो रहा है, दिस इज द टाइम टू बर्न योर सेल्फ. ठीक है. सन जैसे सन की तरह अगर आपको बनना है, सोर्स ऑफ हैप्पीनेस देनी है, शाइन करना है एट द टॉप, यू वॉन्ट टू बी नंबर वन, सो यू हैव टू फर्स्ट बिलीव कि आप हैं ये. ठीक है. यू आर गुड इनफ. सो अपने आप पे डाउट मत करिए, सेल्फ डाउट अपने मन में मत लेकर आइए. ठीक है. एंड आप अच्छा डिजर्व करते हैं, वो आपको मिलेगा. सो टीम वर्क ग्रुप ये बहुत अच्छा दिख रहा है आपके लिए इस वीक में. तो दूसरों की हेल्प कोलैबोरेशन या इन्वॉल्वमेंट के साथ, स्किल्स शेयर के साथ आप अच्छा काम कर पाएंगे. योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ. ठीक है. सो इस ईयर में आपके लिए जो हार्ड वर्क करेंगे इस ईयर का, मैं तो यहाँ पे पूरा ही बोल रही हूँ क्योंकि कैप्रिकॉन एनर्जी भी मुझे दिखी. सो दैट इज़ मोर अबाउट कि इस ईयर की जो शुरुआत है, जिस भी काम पे लग रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, वो पर्सनली एंड प्रोफेशनली वर्ल्ड भी आ रहा है एक कंप्लीट साइकिल. सो दिस ईयर इज़ रियली ग्रेट फॉर यू लियो. मैं आपको ये वीक प्रिडिक्शन दे रही हूँ, बट कहीं ना कहीं जो मैसेज आ रहे हैं मुझे, मैं रिवील करना चाहती हूँ, शेयर करना चाहती हूँ. लियो दिस इज़ अ सक्सेसफुल ईयर फॉर यू. सो यू हैव टू बर्न योर सेल्फ, यू नो, गो फॉर इट, यू आर गुड इनफ. सो दिस इज़ ऑल फॉर यू लियो. आई होप दिस रीडिंग विल गोइंग टू रेजुनेट. अगर पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, जानना चाहते हैं अपने कार्ड्स आपके लिए क्या आ रहे हैं, सो आप पर्सनल रीडिंग भी बुक कर सकते हैं. उसके लिए आपको www.lizasimi.com वेबसाइट के थ्रू रीडिंग बुक करनी होगी. डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है. एंड गो एंड विजिट एंड यू कैन बुक अ सेशन. और अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे, फर्स्ट टाइम इस ऐसे वीडियोस को देख रहे हैं, सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर सच रीडिंग्स. सी यू अगेन, बाय. हाय वर्गो, लेट्स सी आपकी पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ के लिए ये वीक कैसा रहने वाला है. प्रेडिक्शन एज वेल एज यहाँ पर मैं आपके लिए एनर्जी भी शेयर करने वाली हूँ, एंड विद दैट आपको मून लॉजी से गाइडेंस भी दूंगी. सो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो और दिस विल ब्रिंग दी ब्लेसिंग्स टू मी और मुझको खुशी होगी. सो लेट्स सी नाउ फॉर यू. सो पर्सनल लाइफ द स्टार इज कमिंग, एंड फॉर योर करियर द फूल. और आपकी एनर्जी क्या रहने वाली है, हैंगमैन. सो वर्गो दिस इज समथिंग आपके लिए एक यू नो एक नेक्स्ट पेज है आपकी लाइफ का, जैसे कि एक नेक्स्ट चैप्टर, ठीक है, ऑफ योर लाइफ. सो यहाँ पर स्टार आ रहा है आपकी पर्सनल लाइफ में. यहाँ पर इम्पॉर्टेंटली दिख रहा है कि आप अपनी सेल्फ केयर, सेल्फ चॉइसेस, विशेस, इन सब चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देंगे, मैनिफेस्ट करेंगे. ठीक है. और वॉट यू आर, यू नो, आप अपने आप में डीप एनालिसिस और डीप अवेयर, यू नो, अवेकन आप यहाँ दिख रहे हैं. सो वर्गो दिस इज़ द वीक जहाँ पर हो सकता है आपको कुछ हर्ट हो,
इस वजह से आप ज़्यादा चीज़ों को ध्यान दे रहे हैं, ऑब्जर्व करेंगे व्हाट इज़ गुड व्हाट इज़ बैड फॉर यू। और ये भी रीज़न हो सकता है कि कहीं ना कहीं आप स्पिरिचुअली बहुत एक्टिव हो रहे हैं इस टाइम पर, स्पिरिचुअली बहुत कनेक्टेड हो रहे हैं और आप अपनी सेल्फ जर्नी की तरफ बढ़ने वाले हैं। दैट्स वेयर द स्टार इज़ कमिंग। और आप में से कुछ पर्सन की तो मुझे यहाँ पर बहुत पॉजिटिविटी आ रही है कि दैट शाइनी हैप्पीनेस, मतलब आपके जो ड्रीम्स हैं, जो आपकी जो वो एक दिस इज़ लाइक माई बकेट लिस्ट की दिस इज़ की मैं करना चाहता हूँ लाइफ में, ये पर्सन होने चाहिए, इन पर्सन के साथ ऐसा होना चाहिए, मेरी पर्सनल लाइफ ऐसी होनी चाहिए, तो वो सब चीज़ों को आप इस वीक में मैनिफेस्ट कर सकते हैं और आपकी विश भी पूरी होने के चांसेस होंगे। ठीक है, सो दिस इज़ द ग्रेट टाइम जहाँ पर आप यूनिवर्स, मिरेकल्स, मैजिक, स्पिरिचुअलिटी, इनसे कनेक्ट हो रहे हैं पर्सनली। ठीक है, सो पर्सनली बहुत ज़्यादा रोमांस, अंडरस्टैंडिंग, कॉपरेशन, केयर, लव एंड स्पिरिचुअलिटी, एंड दैट इज़ मोर अबाउट योर कनेक्शन विद द यूनिवर्स, ये यहाँ पर दिख रहा है। सो आप, मैं यहाँ बोलूँगी कि पर्सनली आप बहुत ज़्यादा इस वीक में मैच्योर फील करेंगे और दैट इज़ ऑल अबाउट योर विजडम, आप विजडम की तरफ आगे बढ़ेंगे। सो ये वीक आपके लिए काफ़ी अच्छा है एज पर स्टार, ये परफेक्टली आपके लिए एक हीलिंग वीक है। हीलिंग, जो भी प्रॉब्लम सफरिंग चल रही है उससे हील अप होना, एक नया आइडिया, नई मोटिवेशन, नई होप के साथ आगे बढ़ना, मिरेकल्स, मैजिक, इन सब चीज़ में बिलीव रखना कि यस यूनिवर्स कैन सपोर्ट मी। ठीक है, एंड आपके करियर में फूल आ रहा है, दिस मीन्स दैट इज़ ऑल अबाउट जीरो, लाइक यू स्टार्टिंग फ्रॉम द न्यू बिगनिंग। ठीक है, आप फर्स्ट स्टेप ले रहे हैं। सो इस वीक में आप कुछ चीज़ों में नया स्टार्टअप करेंगे और हो सकता है उसके लिए आपको कॉन्फिडेंस नहीं हो, हो सकता है कि आप ऐसा सोच रहे हो कि सही होगा क्या नहीं होगा, सक्सेस मिलेगी या नहीं मिलेगी, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे मैसेज मिल रहा है कि एक उम्मीद के साथ रिस्क आप ले सकते हैं। सो इस वीक में आपके लिए कुछ स्टार्टअप, कुछ फ्रेश न्यू बिगनिंग, कुछ होप, कोई नई जर्नी, ट्रैवलिंग, वर्क रिलेटेड थॉट, वर्क रिलेटेड आइडिया, रिसर्च, आप इस तरीके से वर्गो इस वीक में रहने वाले हैं। ठीक है, मे बी आप एक नई शुरुआत कर रहे हो, वो कोई एग्जाम ही हो या वो कोई नई जॉब की तरफ आप इनिशिएट लेना, एक नया थॉट रखना कि क्या मैं करियर में ये कर सकता हूँ, क्या मैं बिजनेस स्टार्ट कर सकता हूँ। सो इस वीक में कुछ नए थॉट जनरेट होंगे, उसके लिए रिस्क लेना जो होगा वो सबसे इंपॉर्टेंट टास्क है आपके लिए कि आप रिस्क लेंगे क्या नहीं लेंगे। एज पर फूल यहाँ पे दिख रहा है कि अपनी सेल्फ बिलीव के साथ आप रिस्क लेने के लिए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, सो करियर वाइज भी इट्स लाइक अ फ्रेश न्यू बिगनिंग, तभी मैंने आपको बोला क्योंकि स्टार एंड द फूल ऐसा दिख रहा है कि जैसे कि एक साइकिल कंप्लीट हो गई और एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हो, एक नई शुरुआत कर रहे हो हील होकर। ठीक है, एंड एनर्जी हैंगमैन आ रही है, ऑब्वियस है एनर्जी हैंगमैन ही रहने वाली है, मतलब कंफ्यूजिंग, क्योंकि हीलिंग एंड द स्टार, स्टार एंड द फूल, एकदम आप नई शुरुआत जब कर रहे हैं तो हमारे मन में सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी, फिनेंशियल बैलेंस अपना और पर्सनली इनसिक्योरिटी और पॉजिटिवनेस और केयर, बहुत कुछ दिखता है। तो हैंगमैन यहाँ पर कम्प्लीटली आपके लिए इस वीक में दिख रहा है, क्रिएटिविटी के साथ साथ सेल्फ पैशन, सेल्फ मोटिवेशन के साथ साथ आप कंफ्यूज भी रहेंगे, करें ना करें, ये ठीक है या नहीं है, स्टक, क्या करें, अब क्या करें, आगे क्या होगा, इस तरीके से वंडरिंग वंडरिंग आपके मन में बहुत सारे नए नए थॉट्स आ सकते हैं। ठीक है, सो हैंगमैन इज़ लाइक आपको ऐसा लगेगा कि शायद मैं बीच में फंस चुका हूँ या मैं यहाँ पे स्टक हो गई हूँ। ठीक है, और अब व्हाट्स नेक्स्ट, तो तभी आपके लिए यहाँ पे एक्सप्लोरेशन के लिए आ रहा है कि नई शुरुआत होगी जब आप फंसा पाते हैं अपने आप को एकदम। हमारे लिए लाइफ में ऐसा कुछ चल रहा होता है कि वी आर जस्ट नो वेयर टू गो, सारी जगह पे लिमिटेशंस, तभी हम एक नया डिसीजन लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। एंड माई पैट इज़ स्लीपिंग, आई थिंक ही इज स्नोरिंग एज वेल, सो आई एम रियली सॉरी अगर आपको यहाँ पर वॉइस आता है तो। सो ही इज़ जस्ट इन्जॉइंग स्लीपिंग यू नो, सो प्लीज़ इग्नोर। या सो आपकी एनर्जी देख लेते हैं, बी होल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। सो जैसे हम बातें कर रहे थे वर्गो, आप अपनी लाइफ में किसी भी स्टेज पे हो सकते हैं क्योंकि दिस इज़ अ जर्नल रीडिंग, यू नो बेटर आपका मन क्या कह रहा है, यू नो बेटर आपका माइंड क्या कहता है, यू नो बेटर आपके आसपास के सर्कमस्टेंसेस एंड सिचुएशंस क्या हैं, क्योंकि आप जानते हैं एक्चुअल में आपकी सिचुएशन, आप जानते हैं आपकी इनर वॉइस क्या कह रही है। सो दिस इज़ द टाइम, बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव, आगे बढ़ो, बोल्ड होना पड़ेगा और पहला स्टैंड लेना होगा, वो किसी को इजहार करना हो लव, या आपको कहीं से गुड बाय बोलना हो, या आपको रिस्क लेना हो करियर में, या आपको एक नए थॉट या क्रिएटिविटी जो बिल्कुल ही डिफरेंट है, लाइक यू नो
टोटली आउट ऑफ बॉक्स उसके लिए आगे जाना और फील करना कि नहीं, ऐसा तो नहीं कि लोग मजाक बनाएंगे, ऐसा तो नहीं कि लोग ऐसा सोचेंगे कि समथिंग दिस इज़ डिफरेंट. सो जस्ट से गुड बाय टू द नॉर्मल थिंग. ठीक है, नॉर्मलिटी इज़ कॉमन. दिस इज़ द टाइम टू टेक सम बोल्ड डिसीजन एंड मूव फर्दर. ठीक है, आपके लिए गाइडेंस भी वही आ रही है जैसे आपकी इस वीक की एनर्जी कंफ्यूजिंग एज वेल एज स्टेप्स लेने को आ रहा है. मून लॉजी से और जान लेते हैं. बिलीव इन द इम्पॉसिबल. सो रिस्क लेने के लिए रेडी रहिए क्योंकि बिलीव इन द इम्पॉसिबल. जो ऐसा लग रहा है ना इस टाइम पर कि नहीं हो सकता, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, वो भी पॉसिबल हो सकता है अगर आप बिलीव रखते हैं. आप क्या मैनिफेस्ट करते हैं, एज आई टोल्ड यू द यू नो द स्टार, आप मिरेकल्स. आप जितना ज़्यादा यूनिवर्स पे बिलीव रखेंगे, आप जितना ज़्यादा सोचेंगे कि यस जो मैं मैनिफेस्ट करते हैं, जो मैं चाहती हूँ या फिर जो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि वो मुझे मिले, और मैं उसके लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन, योर हार्ड वर्क, योर इंट्यूशंस, उन सबको मैं प्योर रखती हूँ, सो डेफिनेटली थिंग्स कैन बी बेटर. ठीक है, सो बिलीव इन इम्पॉसिबल. सो ये तो आपके लिए ऐसा आ रहा है वर्गो, मैं बोलूँगी कि आप जो भी अपने मन में सोच रहे हैं बस उसमें आगे बढ़ जाइए. दिस इज़ द टाइम फॉर यू टू जस्ट टेक अ स्टेप अहेड. आगे स्टेप लेना है, देन सब चीज़ें आपके फेवर में होंगी. ठीक है, डरे नहीं, कंफ्यूज नहीं हो, करें नहीं करें, लव की तरफ जाएं या नहीं जाएं, एक्सेप्ट करें या नहीं करें, ऐसे कंफ्यूजन्स में मत रहिए. सो दिस इज़ ऑल फॉर यू वर्गो. अगर आप कहीं ना कहीं अपने पर्सनल कार्ड जानना चाहते हैं, आप अपने बारे में जानना चाहते हैं, सो आप मेरे साथ भी रीडिंग बुक सो आप मेरे साथ रीडिंग बुक कर सकते हैं. www.lizasimi.com ये वेबसाइट का लिंक है जो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, और इस वेबसाइट के थ्रू आप पर्सनल रीडिंग बुक कर सकते हैं. सो दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई एंड, एंड आई होप दिस रीडिंग विल गोइंग टू रेजोनेट. सो मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं. एंड इसके साथ साथ अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे, फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं, सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर सच रीडिंग्स. सी यू अगेन, बाय. हाय लिब्रा, लेट्स सी आपकी पर्सनल एंड प्रोफेशनली क्या मैसेज आ रहे हैं. आपके लिए वीक कैसा रहने वाला है, इसके साथ साथ मैं आपकी एनर्जी फॉर दिस वीक एंड मून लॉजी से आपके लिए मैसेज भी शेयर करूंगी, गाइडेंस भी शेयर करूंगी. सो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, इससे मुझे ब्लेसिंग्स भी मिलेंगी और मुझे खुशी होगी. सो लेट्स स्टार्ट दिस रीडिंग. सो पर्सनल लाइफ एट ऑफ पेंटिकल एंड करियर वाइज टेन ऑफ पेंटिकल, और एनर्जी देख लेते हैं लिब्रा, नाइट ऑफ सॉर्ड्स. ओके, सो यहाँ पर मैं आपको बोलना चाहती हूँ, एट ऑफ पेंटिकल जो सबसे पहले बहुत ही वंडरफुल कार्ड आ रहा है लिब्रा, दिस इज़ द वीक जहाँ पर आप फील करेंगे कि हाँ आपकी मेहनत सफल हुई. ठीक है, समथिंग लाइक कि जिस चीज़ में एफर्ट्स लग रहे हैं, जहाँ पर आपका स्वेट एंड योर ब्लड एवरीथिंग इज शेडिंग, मतलब कहीं ना कहीं मैं बोलूँ तो अपनी पर्सनल लाइफ में जितनी मेहनत कर रहे हो आप चीज़ों को बनाने में, चीज़ों को अच्छा करने में, चीज़ों को सही करने में, या चीज़ों को एक वो नाम देने में, वो कमिटमेंट, वो रिलेशनशिप, वो फैमिली लव अफेक्शन, या एक ब्यूटीफुल लाइफ, जितनी भी मेहनत कर रहे हैं अपनी पर्सनल लाइफ में एफर्ट्स की, उसका रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा. एट ऑफ पेंटिकल इज़ कमिंग लाइक योर हार्ड वर्क विल गोइंग टू पे यू ऑफ. आपको अपने हार्डवर्क का रिजल्ट देखने को मिलेगा. ठीक है, सो लिब्रा डोंट वरी, जो भी स्ट्रगल चल रहा है दैट्स ओके. ये वीक आपको यही मैसेज दे रहा है कि इस वीक में ऐसा हो सकता है कि आपको कुछ आप सोच रहे हैं, ऐसा अपने मन में ला रहे हैं कि क्या जो मेरी मेहनत हो रही है, क्या इसका मुझे रिजल्ट मिलेगा, इतनी सफरिंग का क्या एंड अच्छा है, क्या इतनी जो स्ट्रगल रहे हैं लाइफ में क्या उसका फाइनल अच्छा रिजल्ट होगा. तो इस तरीके से आप अपने मन में कुछ चीज़ों को सोच सकते हैं. ओवरऑल आपके एफर्ट्स यहाँ पे प्रैक्टिकली बहुत दिख रहे हैं, मतलब आप एक्शन लेंगे, कमिटमेंट, मूव, डिसीजंस, प्लान एंड टेकिंग स्टैंड, एवरीथिंग इज़ कमिंग हेयर. जो आप अपनी तरफ से कर सकते हैं आप यहाँ पे इस वीक में कर रहे हैं अपनी पर्सनल लाइफ को अच्छा बनाने के लिए. ठीक है, सो दैट्स रियली नाइस. ये बहुत पॉजिटिव एनर्जी है क्योंकि एट ऑफ पेंटिकल आपको इनफाइनाइट सेटिस्फैक्शन के लिए आ रहा है. आपके एफर्ट्स, आपकी मेहनत, आपकी डेडिकेशन की वजह से जो आपको रिजल्ट मिलता है, कहीं ना कहीं हम अपने पर्सनल लाइफ में अब चीज़ों को अर्न करते हैं. अपनी मेहनत से हम एक रिलेशनशिप को अर्न करते हैं, हम अपने डेडिकेशन से अपने लिए हैप्पीनेस को अर्न करते हैं. तो वही चीज़ आपके लिए दिख रही है कि यू आर रेडी टू अर्न द बेनिफिट्स एज वेल एज प्रॉस्पेरिटी एंड लव फॉर यू. तो यहाँ लिब्रा आपके लिए बहुत अच्छा वीक है. और अपने एफर्ट्स को बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोच के चले कि इट्स होगा नहीं होगा, चीज़ें हैं क्या नहीं है, तो कहीं ना कहीं बिलीव.
ठीक है, अपने हार्डवर्क पे एटलीस्ट बिलीव करें, अपने एफर्ट्स पे एटलीस्ट बिलीव करें। तो उसमें फिर कोच भी आ रहा हो, कोई हर्डल हो, यू हैव टू जस्ट कम्पीट, उससे आपको लड़ना है। इसके साथ टेन ऑफ पेंटिकल इज कमिंग फॉर योर करियर, करियर वाइज भी काफ़ी सेटिस्फेक्शन दिख रहा है। दिस इज कम्प्लीट अल्टीमेटम गोल फॉर यू। सो फैमिली, मनी, फाइनेंस, सिक्योरिटी, सेलिब्रेशन, हैप्पीनेस, फ्यूचर प्लान्स, ड्रीम, प्रॉपर्टी, हाउस, इन सब से रिलेटेड आप इस वीक में सोचने वाले हैं, ठीक है। एंड दैट इज़ वेयर लाइक कलेक्टिवली, क्योंकि दिस इज़ कमिंग लाइक अ होल फैमिली, यू कैन सी, यू नो, एवरीबडी इज़ देयर, एंड द मनी, तो यहाँ पे सेटिस्फेक्शन दिख रहा है। मतलब आपको ऐसा भी, यहाँ पे मैं बोलना चाहती हूँ, एज पर टेन ऑफ पेंटिकल, अगर आप मनी को लेके बहुत वरी कर रहे हैं, या अपने करियर को लेके बहुत वरी कर रहे हैं, या अपने इन्वेस्टमेंट के रिजल्ट को लेकर वरी कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपके लिए बहुत फ्रूटफुल रिजल्ट दिख रहे हैं। टेन ऑफ पेंटिकल बता रहा है आपका फाइनेंस, आपकी स्टेबिलिटी, आपकी सिक्योरिटी यहाँ पे मेंटेन रहेगी। सो करियर वाइज इट इज़ मोर लाइक, यू नो, परफेक्ट। टेन ऑफ पेंटिकल, एट ऑफ पेंटिकल, बहुत ही परफेक्ट कार्ड्स आ रहे हैं लिब्रा। दिस इज़ अमेजिंग, ये वीक आपके लिए बहुत अच्छा जाने वाला है। अपने एफर्ट्स आप कहाँ पे भी डेडिकेट कर रहे हो, वहाँ आपको अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। फैमिली को लेकर, अपने आप को लेकर, अपनी फीस, सैलरी, मनी, जिन भी चीज़ों को लेकर आप सोच रहे हैं, वहाँ आपको अच्छा गेन हो सकता है, ठीक है। सो डोंट वरी एट ऑल, दिस इज़ कमिंग लाइक आपकी फैमिली भी आप पे बहुत प्राउड फील कर सकती है, हैप्पी फील कर सकती है, या आप फैमिली को कुछ देना चाहते हैं, गिफ्ट करना चाहते हैं, या कहीं ना कहीं टुगेदर यू आर प्लानिंग समथिंग यूनिटी में, कि यू नो, हाउस ओनिंग और एनीथिंग। सो दिस इज़ द ग्रेट टाइम फॉर यू टू लुक फॉरवर्ड। और विक्ट्री तो है ही, यहाँ पे दोनों ही प्रॉस्पेरिटी के कार्ड्स आ रहे हैं, दोनों ही लकी कार्ड्स आ रहे हैं। साइकिल एंड का कार्ड आ रहा है, तो कम्प्लीटली रिसीविंग द रिजल्ट, और नाइट ऑफ सॉर्ड। सो जो आपकी एनर्जी आ रही है, वो ऐसी एनर्जी आ रही है कि आप बहुत ज़्यादा एक्टिव भी दिख रहे हैं, आप अपनी तरफ से मोटिवेटेड भी दिख रहे हैं, लेकिन आपके थॉट्स कंट्रोल में नहीं हो रहे हैं। कभी डर लग रहा है, कभी कुछ सही होगा, कभी अच्छा होगा, अलग अलग मन में थॉट्स आना, यू नो, द सॉर्ड्स आर ऑल अबाउट योर थॉट्स। सो एयर एनर्जी आ रही है, ठीक है। सो दिस इज़ मोर लाइक कि आप यहाँ पर अपने आप में ही ऐसा फील करेंगे कि सब कुछ, एक्साइटमेंट भी, हैप्पीनेस भी, लेकिन उसी के साथ थोड़ा फियर भी, थोड़ा सा ये कि होना नहीं होना, क्या कुछ है ना, एक्शंस क्या लें, क्या डिसीजन लें, कहाँ मूव करें, इस तरीके से। आप यू कैन सी, यू नो, आप हॉर्स को ही देखें कि वो क्या कर रहा है, इट इज़ समथिंग लाइक, यू नो, वेरी रेडी टू मूव फर्दर। तो आप बहुत ही एक्टिव, मोटिवेटेड, और अपने मन से आप यहाँ पर बहुत यू नो, अपनी प्रेजेंस को दिखाने वाले हैं, ठीक है, अपनी प्रेजेंस की, या दिस इज़ मी, दिस इज़ वॉट आई प्लान, एंड सो एंड सो। सो नाइट ऑफ सॉर्ड, यहाँ पर ये मैं बोलूँगी कि अपने बस इमोशंस को थोड़ा सा, अपने थॉट्स को थोड़ा सा बैलेंस करके चलें, कंट्रोल करके चलें, सो दैट आपके लिए डर, फियर, एन्जाइटी ना बने, ठीक है। सो दिस इज़ वॉट ओवरऑल, सो मन में नए नए थॉट जो ला रहे हैं, उनको लेकर थोड़ा सा ध्यान दें, और आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं। मून लॉ जी आपको क्या बताना चाहते हैं, डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक, ठीक है। सो पास्ट की वजह से, पास्ट की चीज़ों की वजह से, वरीनेस की वजह से, जो भी पास्ट में रही है सिचुएशन, उसकी वजह से आप रुकें, ये नहीं होना है, ऐसा नहीं होने देना है बिल्कुल भी। यू कैन सी द प्रोस्पैरिटी, सेलिब्रेशन, हैप्पीनेस, सेटिस्फेक्शन दिख रहा है। तो ये पास्ट क्या है, ये जो आपके मन में थॉट्स चल रहे हैं, यू नो, एक्सपीरियंस के बेसिस पे, सो दिस इज़ द टाइम कि वो आपको रोक ना पाए, ठीक है। आपको उससे आगे बढ़ना है, अपने पास से आगे निकलना है, ठीक है। और अनदर मैसेज फॉर यू, द एंड ऑफ टफ साइकिल अप्रोचेस। सो यहाँ आई थिंक आप समझ सकते हैं, आपकी जो टफ साइकिल चल रही है लाइफ में, वो किसी भी पार्ट पर हो, पर्सनली या प्रोफेशनली, वो एंड हो रही है, वो एंड होने वाली है। सो आई होप नाउ यू हैव दिस क्लैरिटी। आपको यहाँ पे कार्ड्स भी यही बता रहे थे, एज पर टैरो भी वही इंडिकेशंस दिख रहा है। सो अब आपको घबराना नहीं है, डरना नहीं है, आपको कॉन्फिडेंटली अपने लिए आगे के प्लान्स को लेकर चलना है। दिस इज़ ऑल यू कैन डू, ठीक है। सो डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक, एंड एंड ऑफ टफ साइकिल, सो सफरिंग्स का खत्म होना। सो जैसे मैं बोल ही रही थी कि डेब्ट है, कर्जा है, एनी अनस्टेबिलिटी है, फाइनेंस रुका हुआ है, या जहाँ आपने हार्डवर्क किया है अपने रिलेशनशिप में, फर्स्ट अपनी तरफ से जो पूरा डेडिकेशन दिया है, तो वहाँ ये जो सफरिंग है, ये सब अब फाइनली एंड हो जाएंगी और आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। सो दिस इज ऑल फॉर यू लिब्रा, आई होप दिस रीडिंग विल गोइंग टू रेजोनेट। सो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, एंड इफ़ यू वांट टू बुक आर रीडिंग, आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, अपने पर्सनल कार्ड्स को जानना चाहते हैं, सो आप रीडिंग बुक कर सकते हैं www.lizasimi.com, ये मेरी वेबसाइट है।
डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, उसके थ्रू ही आपकी रीडिंग बुक होगी। सो गो एंड विजिट एंड यू कैन बुक अ सेशन। सो अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे, आप फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं, सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर सच रीडिंग्स। सी यू अगेन, बाय। हाई स्कॉर्पियो, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। लेट मी चेक आपकी पर्सनल एंड प्रोफेशनली ये वीक कैसा रहने वाला है आपके लिए प्रडिक्शन, और आपकी एनर्जी भी मैं यहाँ पर शेयर करने वाली हूँ, ठीक है। सो ऑलरेडी टू कार्ड्स यहाँ पर आ चुके हैं, द एम्प्रेस एंड द जस्टिस, दे आर जस्ट पुल आउट। सो मैं अपने जो यू नो एंजल्स की तरफ से कार्ड्स हैं वो भी पुल आउट करूँगी। एंड प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, इससे मुझे ब्लेसिंग्स मिलेंगी और मुझे खुशी भी होगी। सो फॉर योर पर्सनल लाइफ एंड हेयर फॉर योर करियर, ओके। सो आप देख सकते हैं कितने ड्रामेटिक कार्ड्स आए हैं यहाँ पर, ठीक है। और आपकी एनर्जी भी देख लेते हैं क्या आ रही है, दैट इज़ डेथ कार्ड। सो कहीं ना कहीं मैं स्कॉर्पियो, मैं किसी भी चीज़ को एक कोइंसिडेंस नहीं मानती हूँ। ऑल्दो मैं यहाँ पे बस तीन ही कार्ड्स पुल आउट करने वाली हूँ, जो और सब जोडिक साइन में मैंने किए हैं, बट दिस इज़ समथिंग कि यस, आपके लिए खुद ही आए हैं ये कार्ड्स। सो आई एम गोइंग टू टेक ऑल ऑफ देम, ठीक है। सो दिस इज़ नॉट रैंडम। यहाँ पर आपके लिए पर्सनल लाइफ में डेविल भी आ रहा है और एम्प्रेस भी आ रहा है, एंड दैट इज़ मेजरली गिविंग मी द मैसेज कि आप यहाँ पर रिलेशनशिप को लेके स्ट्रेस, एंजाइटी और कि कुछ कुछ चीज़ों को आप जैसा कि यू नो ऐसा सोच रहे हैं कि जो जो सफरिंग है वो रिलेशनशिप में हो, टॉक्सिक रिलेशनशिप है, या कहीं ना कहीं ब्लॉकेज रिलेशनशिप, प्रपोजल, मैरिज में रुकावटें, या एनी पार्ट ऑफ दिस कि जहाँ आपका रिलेशनशिप हेल्दी नहीं दिख रहा है, इस तरीके की यहाँ पे वाइब्स आ रही हैं। आप कुछ और एक्सपेक्ट कर रहे हैं और चीज़ें कुछ और हो रही हैं, ठीक है। सो ये वीक एक ऐसा वीक है जहाँ दोनों चीज़ें ऐसी हैं कि यहाँ पे ये दिस द बहुत मोस्ट ब्यूटिफुल कार्ड फॉर लव एंड दिस इज़ द वर्स्ट। सो दोनों चीज़ें कन्फ्लिक्ट कर रही हैं। सो कास्ट, कस्टम, ट्रेडिशंस, ओपिनियन, थाट एंड ब्लॉकेजेस, वो किसी भी तरीके के हो सकते हैं। यहाँ पर पर्सनली मैं यहाँ पर अगर आपको देखूँ, आपके लिए ये वीक एक ऐसा होगा कि आपको कुछ सरप्राइज भी दे सकता है एंड शॉकिंग भी दे सकता है, ठीक है। दोनों चीज़ यहाँ पर दिख रही हैं। सो इस वीक को लेकर बस अपने मन में ये लेकर चलें कि आप अपनी तरफ से क्या बेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी आई है। फर्स्ट थिंग अगर आप ऑब्जर्व करें अपने लिए, सो दीज आर ऑल मेजर आकाना, ठीक है। डेविल, एम्प्रेस, जस्टिस, लवर्स एंड डेथ कार्ड। सो तीनों जो यहाँ पे जो ऐसे मैंने क्रिएट करी हैं चीज़ें, ये सारे ही आपके लिए मेजर आकान आ रहे हैं। तो बिग डिसीजंस, बिग रोल, बिग इम्पॉर्टेंट कम्युनिकेशन इस वीक में हो सकता है, तो वही यहाँ पर दिख रहा है। तो बी कॉन्शियस, अपनी तरफ से कोशिश करें कि आप अपना बेस्ट दे पाएँ। ट्राई आउट थिंग्स, एम्प्रेस एंड डेविल, या तो रिलेशनशिप एंड होना है या फिर उसमें सब कुछ ही सब कुछ अच्छा हो जाना है। कहीं ना कहीं यहाँ पे दोनों ही चीज़ों में दिख रही हैं 50-50, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं करियर की। तो करियर में देखिए, जैसे आपके लिए जस्टिस आया है, द लवर्स कार्ड इज कमिंग। सो जस्टिस यहाँ पे बता रहे हैं डिसीजंस आ रहे हैं, और हो सकता है आपको बहुत अच्छी गुड न्यूज़ मिले, जो आप डिजर्व करते हैं, वो रिकॉग्निशन मिले और वो बॉन्ड, वो कनेक्शन, ठीक है। हो सकता है आपकी पर्सनल लाइफ एंड प्रोफेशनली बहुत कनेक्टेड हो रही हैं, हो सकता है कोई पार्टनर हैं जो प्रोफेशनली आपसे कनेक्टेड हैं, बट वो पर्सनल लाइफ में भी इन्वॉल्व हैं, ठीक है, समथिंग लाइक दिस। क्योंकि लवर्स आ रहे हैं इन द जस्टिस, सो इस वीक के रिजल्ट, इस वीक की जो चीज़ें आप उम्मीद रखते हैं करियर में, वो आपके फेवर में हो सकते हैं। यहाँ पे बहुत पॉजिटिव आ रहा है और डिसीजन मेकिंग भी आ रहा है। डिसीजन होगा ऑन कम्प्लीटली कि जो डिजर्व करते हैं। सो आपके करियर वाइज यहाँ पे बहुत ही अच्छा दिख रहा है, और कुछ डिसीजंस भी ले सकते हो अपने मन के अकॉर्डिंग। करियर चेंज, जॉब चेंज, ऑप्शन चेंज, फील्ड चेंज, या फिर कि आपको जो आप सोच रहे हैं कि क्या ऐसा होगा, तो यस यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ दिख रही हैं आपके लिए करियर के साथ। बहुत पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं। जस्टिस एंड लवर्स इज परफेक्ट मैच। कहीं ना कहीं आप इमोशनली सेटिस्फाई होंगे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं आपकी एनर्जी की। तो स्कॉर्पियो, यहाँ पर आपके लिए डेथ कार्ड आया है। दिस इज़ अबाउट योर एनर्जी, स्कॉर्पियन एनर्जी आ रही है यहाँ पर, ठीक है। सो दिस इज़ यू, कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है आपके लिए, ठीक है। अलाइन मतलब लाइक ज़ीरो एंड देन स्टार्टिंग, समथिंग लाइक दिस। यहाँ मैं बोलूँ जैसे कि आपको एंजल नंबर दिख रहे हों, या फिर आपको सम काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन आपके आसपास, बटरफ्लाइज, ऐसे हो सकता है आपको कुछ साइन भी दिखे, क्योंकि यहाँ पे एक सोल अवेकन आ रहा है। मतलब आप अवेकन हो रहे हैं, आप चीज़ों को, जो आपकी लाइफ में जो चीज़ें चल रही हैं, जो स्ट्रगल चल रहा है, उन चीज़ों को जानकर उन चीज़ों पे बड़े डिसीजन ले सकते हैं इस वीक में, ठीक है। एंड दैट इज़ वाई द डेथ कार्ड। आप कट कॉर्ड्स कर रहे हैं, मतलब आप स्ट्रगल को, सफरिंग को, थॉट को,
उन चीज़ों को जो आपकी लाइफ में सबसे बड़ी ट्रबल बन रही है, आप उनको दूर कर रहे हैं, ठीक है। सो दिस इज द एनर्जी इज ऑल अबाउट द चेंज। ये एनर्जी है इस वीक में, आप चेंजेस लाने वाले हैं, वो अपने नेचर में लाएं, अपने करियर में लाएं, अपने पर्सनल लाइफ में लाएं, या अपने लिए कुछ नया प्लान करें, वो बिजनेस हो या एनीथिंग, ठीक है। सो दैट्स रियली लविंग एंड यू नो समथिंग कि हाँ, आपके लिए ये वीक ऐसा हो सकता है कि जिसमें आप काफ़ी स्ट्रांगली चीज़ों को प्लान अप करेंगे। बहुत ही स्ट्रांग कार्ड्स आ रहे हैं। सो टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, ध्यान दीजिए क्या इंपॉर्टेंट है। डेथ कार्ड यही बता रहा है, एक रिबर्थ की एनर्जी आ रही है। सो इस वीक में पर्सनल एंड प्रोफेशनल दोनों जगह पे क्विट सफरिंग, प्रॉस्पेरिटी एंड हैप्पीनेस, दोनों चीज़ों का सरप्राइज एंड शॉकिंग आपके लिए हो सकता है। नाउ इट्स अप टू यू, क्योंकि स्कॉर्पियो एनर्जी है, सो आपके लिए क्या होगा, ठीक है, अच्छा होगा या सम रिजल्ट्स विल बी जो आपके लिए सफरिंग के हों। सो वॉट यू नीड टू डू रिलीज, यू नो रिलीजिंग एनर्जी आ रही है। डेथ कार्ड भी यही बोल रहा है कि रिलीज। सो जो भी सफरिंग दे रहा है, जो भी चीज़ें हैं, दिस इज द बेस्ट टाइम, दिस वीक द बेस्ट टाइम, टेक द डिसीजन एंड रिलीज आउट ऑल द नेगेटिविटी, ठीक है। सो दिस इज इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड, ये वीक है जहाँ आपको रिलीज करना है। ध्यान दीजिए क्या रिलीज करना है, व्हाट यू डू नीड टू रिलीज। तो ऑब्जर्व इट, व्हाट इज़ गुड व्हाट इज़ बैड, किसका इन्वॉल्वमेंट लाइफ में अच्छा है, किसका नहीं, कहाँ डिसीजन लेना चाहिए, फॉर मैरिज, फॉर रिलेशनशिप, फॉर डिसीजन लाइक यू नो कि क्या आप लेट गो करें या फिर आप स्टे करें। यू हैव टू टेक द डिसीजन एंड जस्टिस, वहाँ पे भी डिसीजन लेना है। मैं आपको शेयर भी कर देती हूँ, डिसीजन लीजिए अपने लवर्स, मतलब अपने मन के अकॉर्डिंग, कि जहाँ आपको जो चीज़ें सपोर्ट यूनिटी, और जहाँ आपको ऐसा लग रहा है कि आप पैशनेट हैं। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक, और रुकना नहीं है पास्ट की वजह से, सफरिंग की वजह से, या फिर किसी भी इनसिक्योरिटीज़ की वजह से, ठीक है। दिस इज़ द टाइम टू जस्ट टू रिलीज एंड द थिंग्स एंड देन प्लान। सो या दिस इज़ द टाइम फॉर ट्रांसफॉर्मेशन एंड चेंजेस। ये वीक आपके लिए ऐसा ही रहेगा, काफ़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जी दिख गई मुझे यहाँ पर आपके लिए। और स्कॉर्पियो, जस्ट बी लाइक ए स्कॉर्पियो, ओके। सो दिस इज ऑल, दिस इज द टाइम टू बी मोर रियलिस्टिक, ये मैं यहाँ कहना चाहती हूँ। सो आई होप दिस रीडिंग विल गोइंग टू रेजोनेट। अगर आप पर्सनल रीडिंग में इंटरेस्टेड हैं, आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, जानना चाहते हैं आपके कार्ड्स आपके लिए क्या कहते हैं, सो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। www.lizasimi.com ये मेरा वेबसाइट है, डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक दिया हुआ है, गो एंड विजिट, और आप अपने लिए रीडिंग सेशन बुक कर सकते हैं। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे, फर्स्ट टाइम इस वीडियोस को देख रहे हैं, सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड सी यू अगेन इन नेक्स्ट रीडिंग। बाय। हेलो सेजिटेरियस, लेट्स सी आपकी पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ के लिए क्या मैसेज आ रहे हैं। सो विल गो विद दिस, और यहाँ पर मैं आपको एंजल गाइडेंस, बेसिकली मूनलॉजी से भी, और आपकी एनर्जी इस वीक में क्या रहने वाली है शेयर करूँगी। सो लाइक दिस वीडियो, इससे मुझे ब्लेसिंग्स मिलेंगी और मुझको खुशी भी होगी। सो पर्सनल लाइफ के लिए नाइट ऑफ सोर्ड, एंड फॉर योर करियर द नाइन ऑफ पेंटिकल, और आपकी एनर्जी सेजिटेरियस सेवन ऑफ वॉन्ड्स। वाओ, फायर एनर्जी आ रही है। ये वीक इज़ ऑल अबाउट द कॉम्पिटिशन, ठीक है। सो टेकिंग स्टैंड फॉर द थिंग्स। सो सबसे पहले बोल देती हूँ नाइट ऑफ सोर्ड, यहाँ पर आपके लिए आपकी पर्सनल लाइफ में कुछ चीज़ों को लेके काफ़ी ऐसा लग रहा है कि आप बहुत कन्फ्लिक्ट में रहने वाले हैं, ठीक है। सही डायरेक्शन क्या है, आगे बढ़े ना बढ़े, ठीक है क्या नहीं है, स्टैंड लेना चाहिए क्या नहीं लेना चाहिए। सो थोड़ा सा इरिटेटिंग थॉट्स, यू नो, ऐसा कि जो आपको वरी कर रहे हैं, ऐसे मन में आ सकते हैं पर्सनल लाइफ में, ठीक है। कोई आपको इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा, या कोई पर्सन जिनसे आप एक्सपेक्टेशन रख रहे हो, कुछ वहाँ से आपको कोई आंसर नहीं मिल रहा। इस तरीके से जब हम बहुत एग्जॉस्ट हो जाते हैं कि अपने मन में तो हम 10 बातें सोच रहे हैं, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, कुछ कम्युनिकेशन नहीं हो रहा, कोई डिसीजन नहीं बनना, और दैट इज़ बॉदरिंग यू। तो यहाँ पर ये दिख रहा है आपके लिए सेजिटेरियस, दिस इज़ नॉट अ वेरी पॉजिटिव वीक आपकी पर्सनल लाइफ में। हो सकता है आप कुछ मूव करना चाहते हो, मतलब आप कुछ एक्शंस लेना चाहते हो, कोई एक डिसीजन लेना चाहते हो, लेकिन आप उस चीज़ में कन्फ्यूज़ रहें कि करें या नहीं करें। इमेच्योर एनर्जी आ रही है, यू नो इट इज़ लाइक, यू नो जैसे कि साइक्लोन, यू कैन सी द क्लाउड्स हेयर, यू नो ये एक एक तरीके से जैसे थंडरिंग, जैसे बारिश होने वाली होती है, जब हमको ऐसा लगता है कि ओ माय गॉड, नाउ द स्काई इज जस्ट बिकमिंग सो लाउड, और दिस इज़ व्हाट कमिंग फॉर यू एज वेल। तो आपके मन में, आपके माइंड में 100 तरीके की बातें इस वीक में चल सकती हैं, ठीक है। और वो भी बिकॉज ऑफ अदर्स, बिकॉज ऑफ समवन जिनको के बारे में आप केयर करते हो, या फिर आप सपोर्ट चाहते हो, लेकिन वहाँ चीज़ें नहीं मिल रही, तो पर्सनली आप काफ़ी यू नो डिस्टर्ब दिख रहे हैं।
एंड सेजिटेरियस दिस इज नाइन ऑफ पेंटिकल फॉर यू. करियर वाइज आप काफ़ी प्रैक्टिकल आ रहे हैं, मोटिवेटेड आ रहे हैं और आप अपने करियर में ही फोकस करने वाले हैं इस वीक में. ठीक है, करियर वाइज आपके लिए यहाँ पे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, ग्रोथ, स्किल्स, योर एस्टिमेट कि आपको इतनी सैलरी होनी चाहिए, आपका तो ये स्टेटस होना चाहिए, आप ये डिजर्व करते हैं, इस तरीके से आप अपने आप में बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकली सोचेंगे. और ये भी हो सकता है कि आपको जो डिजर्व करते हैं, जो मिल रहा है, यू कैन सी द राइपनेस, द दीज आर ऑल आर द ग्रेप्स. और यहाँ आपके लिए नाइन ऑफ पेंटिकल एक साइकिल कंप्लीट हो रही है, तो कहीं ना कहीं आप जो डिजर्व करते हैं और आप में से जो पर्सन को वो मिल रहा है प्रमोशन, ग्रेटिट्यूड, एक थैंक्स गिविन और किसी भी तरीके का प्लेजर एंड लेजर अपने करियर वाइज, वहाँ आप बहुत ज़्यादा, ऐसा भी हो सकता है कि थोड़ा वैकेशन ले लें, ब्रेक ले लें, या आप थोड़ा रिलैक्स टाइम करें. मतलब एक ऐसा दिख रहा है कि आप मेंटली थोड़ा सा पीस में हैं और अकेले हैं. ठीक है, सो यहाँ पे विजन मुझे बहुत वाइब्स आ रही हैं. आप अपने करियर के बारे में सोचेंगे इस वीक में, लॉन्ग टर्म के लिए क्या होना चाहिए, रियलिस्टिक वे में क्या होना चाहिए, आप कहाँ पर अभी लाई करते हो, आपको कहाँ पहुँचना है, और ये सब बातें आप अपने मन में करेंगे अपने आप से. ठीक है, सो इट्स अ ग्रेट वीक फॉर योर करियर. एंड सेवन ऑफ वॉन्ड्स, दैट इज द एनर्जी टेकिंग स्टैंड आउट. आप अपने लिए डिसीजन ले रहे हैं, आप अपने लिए स्टैंड ले रहे हैं, आप दूसरों को दूर कर रहे हैं अपने आप से, जो लोग आपको ट्रबल दे रहे हैं या ओपिनियन नहीं मैच होती, या फिर जो आप चाहते हैं वो आपको जो नहीं मिल रहा, इस वजह से आप थोड़ा सा दूर हो रहे हैं सोशल लाइफ से. तो ये वीक एक ऐसा वीक है जहाँ आप बहुत सूदिंग, लविंग, रोमांटिक नहीं है, थोड़ा सा एग्रेसिव, थोड़ा सा रिजर्व, थोड़ा सा यू नो स्ट्रॉन्ग, आपकी टोन हाई हो सकती है, थोड़ा सा एग्रेसिव हो सकते हैं आप, या फिर आप बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, मतलब ब्लंट दिख रहे हैं, यू नो ब्लंट एंड बोल्ड, सीधा सीधा बोल देना चीज़ों को, दूर कर देना जो चीज़ नहीं सही लग रही उसके लिए, सीधा गुड बाय बोल देना, ऐसा. ठीक है, एंड दैट इज़ वेयर द एनर्जी. सो सेजिटेरियस यहाँ पे मैं बोलूँगी फायर एनर्जी तो आ ही रही है आपके लिए, एंड दैट इज़ नॉट लाइक समथिंग की बैड. आप इस वीक में जो चीज़ें आपको सही लगेंगी आप उनके लिए स्टैंड लेंगे, जो चीज़ें सही नहीं लगेंगी आपको लगता है दिस इज जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम फॉर मी, आप उनको गुड बाय भी बोल सकते हैं. ठीक है, सो बॉदर जो कर रही है सिचुएशन वो आपके ऊपर ही है कि आप कब तक उस सिचुएशन में अपने आप को रखना चाहते हैं. ओके, सो करियर वाइज इट्स कमिंग ग्रेट एंड गुड, कंप्लीशन, सेटिस्फेक्शन एंड मोटिवेशन दिख रहा है. पर्सनली थोड़ा सा इरिटेट, फ्रस्ट्रेट हो सकते हैं, तभी यहाँ पर आप ऐसा सोशल लाइफ में थोड़ा दूर हट रहे हैं, दूसरे लोगों से दूर जा रहे हैं. मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट, सो यहाँ आप समझ सकते हैं क्यों आया है, ये इसलिए ही आया है आपके लिए कि दिस इज द टाइम अपने मन को शांत कर. ठीक है, मेडिटेट करने के लिए आ रहा है, थर्ड आई चक्रा के लिए आ रहा है. मेडिटेट क्यों करने के लिए आ रहा है, इसलिए आ रहा है क्योंकि आपका थॉट्स बहुत डिस्टर्ब हो रहे हैं, और जिससे कि आप ज़्यादा कुछ एग्रेसिव ना हो, दूसरों को कुछ ना बोलें, थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल करें, शांत करें. मेडिटेशन हमें शांति दे देता है, पीस दे देता है, हमारे इमोशंस जो चारों तरफ भाग रहे होते हैं उनको कंट्रोल कर लेता है. तो ये एनर्जी है एक ऐसी कि जो हमको, हमारे ऊपर जो कुछ भी गलत हावी नहीं होने देती. सेम थिंग इज़ कमिंग फॉर यू, दिस इज़ द टाइम टू मेडिटेट. ठीक है, जो सबसे ज़्यादा रिलैक्सिंग आपको अच्छा लगता है करना आप वो भी कर सकते हैं. अगर आप मेडिटेशन में नहीं हैं, आप मेडिटेशन नहीं कर पाते हैं, तो डू समथिंग, यू नो डू सम क्रिएटिविटी, पेंटिंग, सम क्ले वर्क, वॉचिंग वीडियो, वॉचिंग लाइक यू नो मूवी और एनीथिंग, इस तरीके से अपने आप को एंगेज करें. ठीक है, उससे आप फिर कंट्रोल कर पाएंगे अपने गुस्से को, अपनी फ्रस्ट्रेशन को. द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम, तो आप समझ रहे हैं ना, यहाँ पे आप हाई हो रहे हैं, एनर्जी आपकी गेन हो रही है, वो मोमेंटम ले रही है, वो बिल्कुल लाइक यू नो ऐसे कि पीक पीक पे पहुँचना, एंड देन सो दिस इज़ द टाइम फॉर यू टू यूज़ इट इन अ बेटर वे. आपको ऐसा नहीं करना है कि आप खुद में फ्रस्ट्रेट हो गए, आपको एकदम गुस्सा आ रहा है, आपको लग रहा है सारी चीज़ें नेगेटिविटी है, लाइफ में सब कुछ खराब है, और बस अब आपको हर चीज़ को बस पुल आउट कर देना, आपको दूसरों को कुछ भी बोल देना है और अपने ऊपर अपने हार्म करना है, अपने आप को फ्रस्ट्रेट करना है. नो, दिस इज़ नॉट द राइट टाइम फॉर दिस. सो एनर्जी जो गेन कर रही है, आगे बढ़ रही है. सो आपके लिए मैं ये बोलूँगी कि पॉजिटिविटी है, लाइफ में अच्छा होगा, फुल मून आएगा, हैप्पीनेस होगी. सो दिस इज़ द टाइम फॉर यू कि जस्ट कंट्रोल योर एनी काइंड ऑफ एनिमल कैरेक्टरिस्टिक्स. ठीक है, वो गुस्सा, एग्रेसिव, इम्पेशेंट, लस्ट, ग्रीडीनेस, शॉर्टकट, इन सब से बचो. ठीक है, दिस इज़ ऑल फॉर यू सेजिटेरियस. आई होप दिस रीडिंग विल गोइंग टू रेजोनेट. और अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, आप पर्सनली अपने कार्ड्स के बारे में जानना चाहते हैं, सो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. www.lizasimi.com ये मेरी वेबसाइट है, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है,
आप जाके अपने लिए बुकिंग कर सकते हैं. सो आई होप दिस रीडिंग विल गोइंग टू रेजोनेट. एंड अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं सो प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल सो दैट वी कैन कनेक्ट अगेन. सो सी यू अगेन, बाय. हाय कैप्रिकॉर्न, लेट्स सी आपकी पर्सनल एंड प्रोफेशनली इस वीक में क्या रहने वाला है, प्रिडिक्शन क्या है. इसके साथ साथ मैं यहाँ पर शेयर करने वाली हूँ आपकी एनर्जी इस वीक के लिए एंड मूनलॉजी से आपके लिए गाइडेंस. सो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, इससे मुझको ब्लेसिंग्स मिलेंगी और मुझको खुशी होगी. सो लेट्स स्टार्ट दिस रीडिंग. सो फॉर योर पर्सनल लाइफ एट ऑफ सॉर्ड, फॉर योर करियर थ्री ऑफ वॉन्ड्स एंड आपकी एनर्जी फॉर दिस वीक स्ट्रेंथ. सो कैप्रिकॉर्न, आप यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग कार्ड्स के साथ आ रहे हैं और दैट इज़ वेयर अगर मैं आपकी बात करूँ पर्सनल लाइफ को लेके, सो एट ऑफ सॉर्ड इज़ कमिंग. कहीं ना कहीं आप काफ़ी कन्फ्लिक्ट हो सकते हैं अपने मन में, थॉट्स, यू नो, ऐसा फील की लाइक हेल्पलेस फीलिंग, ठीक है. और वो भी रीज़न होगा आपके ही जो पर्सपेक्टिव है या फिर जिस तरीके का आप सोच रहे हैं या फिर जो आपकी ओपिनियन है वो अभी सिंक्रोनाइज नहीं हो रही आपकी सर्कमस्टेंसेज एंड सिचुएशन के साथ, ठीक है. सो पर्सनली ऐसा हो सकता है कि जो आप चाहते हैं वो नहीं होना और आपको ऐसा दिखना कि कुछ भी आपके फेवर में नहीं है, सब कुछ स्ट्रगल है, आई एम फीलिंग हेल्पलेस, आई एम फीलिंग लाइक कि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा है. ऐसे ऐसे आपके पास ऐसे यू नो थॉट जनरेट होंगे एंड उसका रीज़न बस एक ही है क्योंकि अभी आपका जो सोच है, अभी आपकी जो ओपिनियन है, जो आपकी डायरेक्शन है अपनी लाइफ में, उस चीज़ के लिए अभी चीज़ें सिचुएशन फेवर में नहीं है, ठीक है. इट डजन मीन इट विल नॉट, कभी नहीं होगी. सो ये जो वीक है ये वीक ऐसा ही है कि आप कुछ और सोच रहे हैं, सामने कुछ और चीज़ें हैं और यू आर फीलिंग लाइक कि ऑल इन ऑल आई एम स्टक, ठीक है. सो ये यहाँ पर आपके लिए एनर्जी दिख रही है. आप देख सकते हैं कि एट ऑफ सॉर्ड, कहीं ना कहीं आप बंधे दिख रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि आप बाहर नहीं निकल पा रहे हैं थॉट्स, दूसरों की ओपिनियन, लोगों की बातें, सर्कमस्टेंसेस, सिचुएशन, सारी चीज़ें आपको हर्डल में डाल रही हैं. सो आपकी पर्सनल लाइफ ऐसे हो कि आप रिलेशनशिप में हैं, यू आर जस्ट वेटिंग कि मूव ऑन करूं या नहीं करूं, या कि आपको अच्छा प्रपोजल मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्या आपके रिलेशनशिप में कुछ उम्मीदें हैं, होप हैं, क्या अच्छा हो सकता है, एनी थिंग, इवन पर्सनल लाइफ कैन बी द फैमिली के साथ, क्या आपकी ओपिनियन मैच करेंगी या नहीं. इस तरीके से ये वीक आपके लिए थोड़ा सा थॉट वाइज डिस्टर्बिंग आ रहा है. सो पर्सनल लाइफ में आप थोड़ा सा ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर लेंगे और वो पर्सपेक्टिव जो है आपका, जो आपका देखने का नज़रिया है वो बहुत अलग है और लोगों से, और दैट इज़ वेयर यू आर फीलिंग लाइक स्टक कि आपके सामने एक वॉल है और ये वॉल ख़त्म नहीं हो रही, ठीक है. सो डोंट वरी, दिस इज़ जस्ट अ फेज, इट विल एंड, नथिंग टू वरी. एंड थ्री ऑफ वॉन्ड्स, आपके करियर वाइज बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड आया है. कैप्रिकॉर्न, आप यहाँ पर अपने जिस भी पाथ को, जिस जर्नी को लेकर चल रहे हैं, जैसे कि मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि मैं ये ड्रीम है, ये जॉब है, ये करियर गोल है मेरा, ये मेरा विज़न है, ये मेरी परमानेंट जॉब और एनीथिंग, उस बात के लिए यहाँ पे बहुत मोटिवेशन मिल रहा है. थ्री ऑफ वॉन्ड्स कह रहा है आपके पास ऑप्शन चॉइसेस यहाँ आ रहे हैं और अपनी तरफ से आप कुछ डिसीजंस भी स्ट्रांग ले पाएंगे क्योंकि सारा कंट्रोल आपके हाथ में होगा. आप देख सकते हैं, यू नो, दिस विक्ट्री, दिस मशाल, इसको विक्ट्री के लिए देखा जाता है और ये आपके लिए आ रही है कि आपके हाथ में एक नहीं है, आपके हाथ में तीन है, ठीक है. और यू कैन सी द क्राउन, सो जो आप डिजर्व करते हैं और कहीं ना कहीं आप जो इस मेहनत से आगे बढ़ के आए हैं, सो आपको यहाँ पर गॉड वो सब कुछ देंगे जो आप डिजर्व कर रहे हो, ठीक है, जो आपकी मेहनत की वजह से आपको मिलेगा. तो अपने विजन, अपने प्लान्स, अपने ड्रीम्स को आपको गिव अप नहीं करना है. यू हैव टू वर्क हार्ड. जिस तरीके से आप अपने मन में अभी जो थॉट सोचेंगे, इस वीक में जो आपके मन में गोल्स आएंगे, आपके लिए ड्रीम आएंगे, एम्स जो आपके हैं वो आपके फुलफिल ज़रूर होंगे. यू हैव टू मैनिफेस्ट एंड मूव फर्दर. सो यहाँ पर एक थ्री ऑफ वॉन्ड्स काफ़ी अच्छा भी बता रहा है. हो सकता है आपको गेन अभी हो इस वीक में ही, आपको जो आपकी मेहनत का फल है, जो रिजल्ट आपको देखने को मिले, ठीक है. सो ये बहुत डेडिकेटली पॉजिटिव आ रहा है. एंड द लियो एनर्जी, स्ट्रेंथ, लायन, सन, ठीक है. सो ये एनर्जी यहाँ पर आपके लिए दिख रही है. दिस इज द टाइम जहाँ पे आप अपने इमोशंस को बहुत कंट्रोल करना चाहेंगे. होता है ना, हमारे अंदर, सबके अंदर एक एनिमल होता है लाइक इररेस्पॉन्सिबल, या फिर ये बोला जाए कि कहीं ना कहीं जो हमारे फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, वो हम ऊपर हावी रहते हैं और हम इम्पेशेंट हो जाते हैं, या फिर हमको वो चीज़ परफेक्ट चाहिए, या हमें चाहिए कि वो हम ही लीड करें, हम जो कह रहे हैं वही हो. तो इस तरीके से यहाँ पे लियो, यहाँ पे जो लायन दिख रहे हैं, दिस इज़ ऑल कि आप अपने माइंड को बहुत कंट्रोल करेंगे. तो इस वीक में आप अपने आप को संभालेंगे, ठीक है. यहाँ दिख रहे हैं ना, आप अपने माइंड के साथ बहुत ज़्यादा फाइट कर रहे हैं,
यहाँ आप उनको कंट्रोल कर रहे हैं, यू आर अ किंग कैप्रिकॉन। यहाँ पर आप काफ़ी पावरफुल भी आ रहे हैं, आप इस वीक में ऐसे पर्सन होंगे कि जो आपको सुना जाएगा, आपसे चीज़ें देखी जाएंगी, आपके सामने रखी जाएंगी, आप कुछ डिसीजंस लेंगे, आपके डिसीजन की कदर भी होगी। ठीक है, सो दैट्स रियली परफेक्ट। ये वीक आपके लिए काफ़ी ड्रामेटिक दिख रहा है मुझे, कि बेनिफिट्स भी दिख रहे हैं, होप भी दिख रही है, उम्मीदें भी दिख रही हैं, और उतना ही आप ज़्यादा सोच भी रहे हो, अपनी स्ट्रेंथ आप अपने आप को कंट्रोल भी कर रहे हो, मैनेज भी कर रहे हो। सो दैट्स रियली नाइस एक्चुअली। ये अच्छा वीक है आपके लिए, कुछ लर्निंग देगा, कुछ अंडरस्टैंडिंग बनेगी, और कहीं ना कहीं आपकी वाह वाह भी होगी, क्योंकि आपके लिए आप लीडर बन रहे हैं। ठीक है, लक इज़ ऑन योर साइड। सो आई होप अब आप समझ सकते हैं कि आपको गिव अप नहीं करना है, ना ही अगर आपको अभी अपना विज़न क्लियर होता दिख रहा है तो भी आपको ऐसा नहीं सोचना है कि नहीं नहीं कुछ नहीं होगा, बिकॉज लक इज़ इन योर साइड। तो जहाँ आप आगे टारगेट लेके चल रहे हो अपना, ये ना अपने एरो को लेके जाओगे, आपको वहाँ विक्ट्री मिल जाएगी। सो लक आपको सपोर्ट कर रहा है, गॉड आपको सपोर्ट कर रहे हैं, डेस्टिनी आपको सपोर्ट कर रही है। सो बी होपफुल। मैंने आपको बोला ही कैप्रिकॉन कि थिंग्स आर इन योर कंट्रोल, सो बी होपफुल। अपनी तरफ से गिव अप मत करो, मेहनत करो, आपको रिजल्ट ज़रूर देखने को मिलेगा, दोनों ही पार्ट पे, पर्सनल एंड प्रोफेशनली। शो द वर्ल्ड द रियल यू, एंड यू हैव टू शो योर क्वालिटीज़, योर कैपेबिलिटीज़, और आपका जो ऑरा है, आपके अंदर जो स्ट्रेंथ है, आप जो अच्छा कर सकते हैं, आप जो करना चाहते हैं, अब ये टाइम है वर्ल्ड को दिखाना है, आगे बढ़ना है, आपको प्लान करना है। ठीक है, फुल मून इन एक्वेरियस आ रहा है, ऑलरेडी एक्वेरियस सीज़न हमारे लिए आ रहा है, सो दैट इज़ वेयर यहाँ चीज़ें दिख रही हैं कि कहीं ना कहीं आप लोग आपको काफ़ी रेस्पेक्ट ऑनर दे सकते हैं, आपकी काम, आपकी एक्सपेक्टेशन, जैसे आप सोचते हो कि आपको इतनी रेस्पेक्ट मिलनी चाहिए, आप इतना एफर्ट्स डालते हैं, आप इतनी मेहनत करते हैं, तो वो आपको मिलेगा। ठीक है, सो दिस इज़ द टाइम टू बी लाइक यू नो बोल्ड, शो द वर्ल्ड द रियल यू। सो दिस इज़ द टाइम टू बी ट्रू ऑथेंटिक, आप ये चाहते हैं, आप ऐसे हैं, आपको वो क्लियर रखना है। सो शो योर टैलेंट, शो योर स्किल्स, एंड इवन टेक डिसीजंस, अपनी पर्सनैलिटी को भी शो करना है जैसा आप चाहते हैं। ओके, सो दिस इज़ ऑल फॉर यू। आई होप कैप्रिकॉन दिस रीडिंग विल गोइंग टू रेजोनेट, और अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं और आप अपने कार्ड जानना चाहते हैं तो आप रीडिंग बुक कर सकते हैं, www.lizasimi.com, ये मेरी वेबसाइट है, ये मेरी वेबसाइट है, डिस्क्रिप्शन में, ये मेरी वेबसाइट है, सो डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, गो एंड विजिट, एंड आप अपने लिए सेशन बुक कर सकते हैं। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे, फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं, सो लाइक एंड सब्सक्राइब, और सी यू अगेन, बाय। हेलो एक्वेरियस, सो दिस इज़ यू। लेट्स सी आपकी पर्सनल एंड प्रोफेशनली ये वीक कैसा रहने वाला है, प्रिडिक्शन फॉर यू। इसके साथ साथ मैं आपकी एनर्जी भी शेयर करूँगी, एंड मून लॉजी से आपके लिए गाइडेंस। सो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, और इससे मुझे ब्लेसिंग्स मिलेंगी और खुशी भी मिलेगी। सो लेट मी चेक आपकी पर्सनल लाइफ, सेवन ऑफ पेंटिकल, एंड योर करियर स्ट्रेंथ, और आपकी एनर्जी क्या आ रही है, सिक्स ऑफ कप। सो एक्वेरियस, ये यहाँ पे काफ़ी अच्छी चीज़ें दिख रही हैं मुझे आपके लिए, अगर मैं बात करूँ। सो सेवन ऑफ पेंटिकल आपके लिए, आपका हार्ड वर्क, जो भी आपने डेडिकेशन पुट ऑन किया है, मेहनत की है, फैमिली के लिए, या फिर मैं बोलूँ रिलेशनशिप में, या फिर जो आपकी उम्मीदें हैं, आपकी इंटेंशंस हमेशा सही रही हैं, यहाँ आपको अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। मतलब आपके हार्डवर्क का आपको रिजल्ट मिल रहा है। ठीक है, यू कैन सी दिस इज़ द ऑल द प्रॉस्पेरिटी। ओके, कैटल है यहाँ पर, द काउ इज़ हेयर, दिस इज़ अबाउट द पीस, प्रॉस्पेरिटी, एंड यू कैन सी द यू नो ब्रिक बाय ब्रिक आप आगे बढ़ रहे हैं, एंड यहाँ सपोर्ट दिख रहा है, कमिटमेंट दिख रहा है, यहाँ अंडरस्टैंडिंग दिख रही है। सो आपको यहाँ पर मैं बोलना चाहती हूँ, ये वीक बहुत ही पॉजिटिव है, आप कॉन्फिडेंट फील करेंगे, हैप्पी फील करेंगे, रिलेशनशिप एंड एनी वे पर्सनल लाइफ में आपकी, वो फैमिली के साथ हो आपका कनेक्शन ज़्यादा, या मैरिड लाइफ, या फिर फ्रेंड्स या कलीग्स, यहाँ आपका बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट, यूनिटी एंड डेडिकेशन दिख रहा है। सो इट्स अ ग्रेट वीक इन्जॉय करने के लिए, रिटर्न अपने लिए एक हैप्पीनेस पाने के लिए, कि आपने जो जो भी अपना कुछ प्लान अप किया है कि यस राव फाइनली दिस इज़ हेयर। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर बहुत अच्छा कम्युनिकेशन, बहुत स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट, एंड एक दूसरे को लेके बहुत ही आप मोटिवेटेड फील कर सकते हैं। सो सेवन ऑफ पेंटिकल आपके एफर्ट्स का आपको यहाँ पर पॉजिटिव पिक्चर नज़र आएगी, कि हाँ जैसा मैं चाहता हूँ, या फिर मैंने जैसा सोचा है,
वैसा ही हो रहा है, वैसा ही हो रहा है और आगे रहेगा, ठीक है। इसके साथ यहाँ पर स्ट्रेंथ आ रहा है एंड दैट इज़ योर करियर। तो करियर के अंदर स्ट्रेंथ दिख रही है, दिस मीन्स कि आपको कुछ ऐसा हो सकता है कि यू नो ज़्यादा बिजी या ज़्यादा आपके सामने वर्क आ रहा है या आपको ज़्यादा अपनी पोटेंशियलिटी को यूज़ करना पड़ रहा है। होता है ना कि मतलब एक तो है कि बहुत ईजी गोइंग डे, आराम से चल रहे हैं, आराम से काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे स्ट्रेंथ बता रहा है कि आप ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, ज़्यादा एफर्ट डाल रहे हैं और गिव अप नहीं कर रहे हैं, और पेशेंस मेंटेन रख रहे हैं, जेनरस हो रहे हैं, अपनी इमोशंस को कंट्रोल कर रहे हैं, फ्रस्ट्रेशन होने से बच रहे हैं। तो यहाँ पे स्ट्रेंथ दिख रही है, हो सकता है करियर वाइज आपको ऐसा कुछ फील हो कि दिस इज़ द टाइम नाउ टू टेक स्टैंड, मैं अपने लिए कुछ करूँ, या फिर जो लोग आपके ऊपर कॉन्फिडेंट फील नहीं कर रहे हैं, आपके ऊपर उंगली उठा रहे हैं, या फिर आपको ऐसा फील करा रहे हैं कि यू आर नॉट अ लीडर, आपने कुछ नहीं किया है, या फिर आप अभी तक कुछ नहीं कर पाए, तो उनको आप शो करें कि दिस इज़ वॉट आई एम, ठीक है। सो लीडरशिप एनर्जी आ रही है, लायन एनर्जी आ रही है, सन एनर्जी आ रही है, एंड सन इज़ ऑल लाइक यू नो द सोर्स, सोर्स ऑफ हैप्पीनेस, सोर्स ऑफ पावर, सोर्स ऑफ सेटिस्फेक्शन। सो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आप अपने करियर वाइज यहाँ पे स्ट्रेंथ लगा रहे हैं, आपकी इंडिविजुअलिटी यहाँ पे नज़र आएगी, वो अपने सेटिस्फेक्शन के लिए हो या फिर लोगों को प्रूव करने के लिए हो, ठीक है। इस वीक में जो आपको करना होगा, हो सकता है लाइक प्रेजेंटेशन हो आपकी, आपको इंटरव्यू देना हो, यू हैव टू गिव योर बेस्ट, इस तरीके से भी आपका हार्डवर्क नज़र आएगा, ठीक है। आपकी जो एनर्जी दिख रही है, दिस इज़ सिक्स ऑफ कप। सो सिक्स ऑफ कप बहुत ही अच्छी एनर्जी है, यहाँ पर आपके लिए रोमांटिक एनर्जी दिख रही है एंड अफेक्शन दिख रहा है, सेलिब्रेशन दिख रहा है, कहीं ना कहीं जो लाइफ में अभी तक आपको मिला है उसका ग्रैटिट्यूड शो करेंगे, आप खुश होंगे, और मुझे मेजरली आपकी पर्सनल लाइफ में बहुत सेटिस्फेक्शन दिख रहा है, ठीक है। ऑल दो करियर वाइज भी आपके लिए स्ट्रेंथ आ रहा है, तो आपको रिवॉर्ड्स मिल सकते हैं, यहाँ पे आप बहुत ग्रेटफुल हो रहे हैं। सो ये वीक ऐसा होगा कि जिसमें आप ऐसे नहीं करेंगे कि कुछ नहीं होता, मेहनत करी कुछ नहीं मिला, और मैंने जो भी करना चाहा वो अभी तक नहीं हुआ, या फिर यू नो ऐसे फ्रस्ट्रेटेड होना कि कुछ नहीं मिलता लाइफ में, कितना प्रे कर लो, कितने एफर्ट्स डाल लो, कितना मैनिफेस्ट कर लो या हार्डवर्क कर लो, आप ऐसा नहीं होंगे, आप इग्नोरेंट नहीं दिख रहे हैं, आप नेगेटिव नहीं दिख रहे हैं, आप ग्रेटिट्यूड शो कर रहे हैं, आप थैंक यू बोल रहे हैं, आप अफेक्शन शो कर रहे हैं, आप हैप्पी हो रहे हैं, आप अपने जो जिन जिन लोगों ने आपको हेल्प करी है, सपोर्ट किया है, गॉड एवरीबडी, आप उनकी तरफ झुक रहे हैं, आप उनको थैंक्स गिविन कर रहे हैं, ठीक है। सो दैट्स रियली नाइस, एक अच्छी हम्बल रोमांटिक एनर्जी आ रही है। हो सकता है आप अपने पार्टनर के साथ भी बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करें, क्योंकि यहाँ पे मुझे रोमांस की भी वाइब्स आ रही हैं, ठीक है। सो एक्वेरियस, दिस इज़ रियली नाइस, ग्रेट, और लेट मी चेक आपके लिए मून लॉजी से क्या एनर्जी बन रही है, आपके लिए क्या गाइडेंस होगी। सो फर्स्ट वन इज़ द एंड ऑफ टफ साइकिल अप्रोचेज। सो जो टफ साइकिल है वो पर्सनल एंड प्रोफेशनल दोनों पे देखा जाए, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, बहुत एफर्ट डालें, सीड पुट ऑन करा, वाटर करा, नर्चरिंग क्रिया, तो जो आप रिजल्ट चाहते हैं वो आपको यहाँ दिख सकता है। टफ साइकिल एंड हो रही है और साथ में स्ट्रेंथ, तो यहाँ पर भी आपके लिए टफ साइकिल एंड हो रही है, जहाँ पर भी आप अपनी तरफ से डबल मेहनत कर रहे थे, तभी तो ग्रेटिट्यूड शो कर रहे हैं आप कि हाँ हाँ सब कुछ अच्छा हुआ, ठीक है, दैट्स अमेजिंग। और आपके लिए ब्रिंग लव इन टू द सिचुएशन एंड दैट इज़ न्यू मून इन एक्वेरियस। सो एक्वेरियस आपके लिए एक्वेरियस एनर्जी आ रही है, कैपिकॉन, देखिए दोनों साइकिल जैसे हमारे लिए अभी चल रही हैं, यही सीजन है जो हमारे लिए इस टाइम चल रहे हैं, दैट इज़ कैप्रिकॉन एंड द एक्वेरियस विल कम, ठीक है। सो इस टाइम पर आपके लिए दिस इज द बेस्ट टाइम फॉर यू, यू नो टू डू समथिंग फॉर यू, फॉर एनी बडी, फॉर समथिंग, जो आपका ड्रीम है, जो आपका एम है, जो आपके मन में ख्वाहिश है, वो आपके फेवर में आती है, ठीक है। सो ब्रिंग लव इन टू दिस सिचुएशन, तो दैट्स वाई सिक्स ऑफ कप, एक हम्बल, कंपैशन, हारमनी एंड ग्रैटिट्यूड, इस तरीके के लिए आपके लिए आ रहा है। बिल्कुल एग्रेसिव नहीं होना है, इग्नोरेंट नहीं होना है, नेगेटिव नहीं होना है, ठीक है, क्योंकि आपकी जो साइकिल है वो टफ साइकिल है, वो एंड होगी, बिल्कुल भी अपने मूड को ख़राब मत कीजिए, ठीक है। सो लव भी आ रहा है आपकी सिचुएशन में, मतलब आपकी लाइफ में लव आ रहा है, एंड मे बी अ रोमांस, एक नया रिलेशनशिप डेवलप हो रहा है आपके लिए, दैट इज़ वॉट इट इज़, ठीक है। सो गुड लक माई डियर एक्वेरियस, आपके लिए बहुत ही अच्छे कार्ड्स आए हैं, और अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, आप पर्सनली अपने कार्ड्स को जानना चाहते हैं, सो आप रीडिंग बुक कर सकते हैं www.lizasimi.com, ये मेरी वेबसाइट है, जिसके लिए डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है, सो गो एंड विजिट, और आप वहाँ पर अपने लिए एक रीडिंग या सेशन बुक कर सकते हैं। और अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे, फर्स्ट टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं, सो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर सच रीडिंग। सी यू अगेन, बाय।
हेलो पाइसिस, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो लेट्स सी आपकी पर्सनल एंड प्रोफेशनली ये वीक कैसा रहने वाला है प्रिडिक्शन। साथ में मैं आपकी एनर्जी भी शेयर करूंगी फॉर दिस वीक और मून लॉजी से गाइडेंस। सो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, इससे मुझे ब्लेसिंग्स मिलेंगी और खुशी भी मिलेगी। सो आपकी पर्सनल लाइफ के लिए किंग ऑफ पेंटिकल एंड फॉर योर करियर नाइट ऑफ वॉन्ड्स और आपकी एनर्जी फाइव ऑफ पेंटिकल। ओके, सो यहाँ पर आपके लिए जो तीनों कार्ड्स आ रहे हैं काफ़ी यू नो इमोशनल और फीलिंग्स के साथ हैं। सो फर्स्ट कार्ड इज़ किंग ऑफ पेंटिकल। आप काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर फुलफिलमेंट दिख रहा है, सो पर्सनल लाइफ में बहुत खुश होंगे। एक सेटिस्फेक्शन फील दिख रहा है, एक ऐसा फील दिख रहा है कि प्रैक्टिकल बहुत हो रहे हैं, रियलिस्टिक हो रहे हैं, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, कमिटमेंट। एंड किंग ऑफ पेंटिकल समहाउ इट्स मोर अबाउट एंड किंग ऑफ पेंटिकल इट्स मोर अबाउट द डिसीजन। सो ये वीक आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग ऐसा दिख रहा है कि आप कुछ मेजर डिसीजन लेंगे रियलिस्टिक होके मेजॉरिटी के लिए, क्योंकि आपके हाथ में डिसीजन है, आपके हाथ में पावर है, आप क्या डिसीजन लेंगे यही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैटर कर रहा है आपकी पर्सनल लाइफ में। ठीक है, सो पाइसिस अगर आप किसी भी सिचुएशन में हैं इस टाइम पर, एज पर किंग ऑफ पेंटिकल ये वीक आ रहा है टू टेक अ डिसीजन, बहुत ही पेशेंट होकर, बहुत ही इत्मीनान से, बहुत ही हर चीज़ को ऑब्जर्व करके फिर डिसीजंस लें तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। हर यस एंड नो, राइट एंड गुड रॉन्ग, हर चीज़ को बेटर एंड यू नो वर्स्ट, सारे सिनेरियोज़ को ऑब्जर्व करके फिर डिसीजंस लें। और किंग ऑफ पेंटिकल आपके लिए खुद में बहुत मेंटली सेटिस्फेक्शन आ रहा है, हो सकता है आप डैड बन जाएं, हो सकता है आपके घर में गुड न्यूज़ हो, या फिर यू नो मैरिज से रिलेटेड अच्छा प्रपोजल आए, क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल इज़ लाइक यू नो अ पावरफुल स्ट्रॉन्ग एनर्जी। दैट इज़ मेजरली आपकी इस वीक में एक रियलिस्टिक अप्रोच दिख रही है। सो आप इस वीक में बहुत ज़्यादा फ्लर्ट और इन्जॉयमेंट की जगह बहुत रियलिस्टिक और जो प्रिविलेजेस हैं, जो आपके आप जो डिज़र्व करते हैं, जो आपके पास पावर है, जो आपके पास कैलिबर है कि जिससे कि आप चीज़ों को यू नो अफोर्ड कर सकते हैं, आप उसी बेसिस पे आगे इन्जॉय कर रहे हैं। ठीक है, सो किंग ऑफ पेंटिकल मुझे यहाँ पे ज़्यादा वाइब्स ये भी आ रही हैं कि आप में से कुछ पर्सन अपनी फैमिली को लेके भी कुछ डिसीजंस ले सकते हैं, फैमिली से रिगार्डिंग कुछ कम्युनिकेशन या फिर यू नो कुछ आगे फर्दर प्लान्स को लेके जा सकते हैं। इसके साथ साथ नाइट ऑफ वॉन्ट्स इज कमिंग फॉर योर करियर। करियर वाइज तो आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज दिख रहे हैं, मोटिवेटेड हैं, पोटेंशियल भी है, लेकिन किस तरीके से आगे अब रास्ता चुनना है उस चीज़ को लेकर थोड़ा सा यू नो इम्बैलेंस, क्या सही है क्या गलत है। कभी तो बहुत ही खुश हो जाना, इस वीक में ऐसा ही रहेगा कि कुछ चीज़ें उम्मीद आएंगी तो अच्छा लगेगा, फिर कुछ चीज़ें हाथ से गुजरेंगी तो ऐसा लगेगा कि ओ दिस आई हैव लॉस्ट दिस। सो इस तरीके से एनर्जी बहुत ही मूड स्विंग एनर्जी दिख रही है करियर वाइज। ठीक है, करियर में कंसंट्रेशन कम रहने वाला है, मतलब आपका प्रिपरेशन के टाइम कुछ अपने वर्क जॉब में इंटरेस्ट कम होना, गुस्सा आना या ऐसा फील करना कि ये दिस इज़ नॉट फॉर मी, वाई आई एम डूइंग दिस, इस तरीके से आप अपने आप से थोड़ा सा कन्फ्यूज़ होकर क्वेश्चन कर सकते हैं। एंड दैट इज़ वेयर कि आप ऐसा कन्फ्यूज़ होंगे कि क्या ये राइट डायरेक्शन है, मैं सही चल रहा हूँ, यही है रास्ता। दैट इज़ वेयर द यू नो आपके पास मशाल है, पावर है, लेकिन किस तरीके से आगे चलना है वो क्लूलेस, डायरेक्शन नहीं दिख रही है, इस वजह से आप थोड़ा सा अपने आप में डाउटफुल हो सकते हैं, सिचुएशन की वजह से, कोई मैसेज की वजह से, कोई कम्युनिकेशन की वजह से। तो जैसे कि कोविड का अब हमें बहुत ज़्यादा ऐसा दिख रहा है कि लॉकडाउन होगा, ये होगा, वो होगा, तो इन सब चीज़ों की वजह से थोड़ा सा ऐसे वरी हो जाना, ऐसे मुझे यहाँ पे वाइब्स आ रही हैं। इसके साथ आपकी एनर्जी अगर मैं देख रही हूँ यहाँ पर, सो एनर्जी इज़ कमिंग एज फाइव ऑफ पेंटिकल, दैट इज़ वॉट इम्पॉर्टेंटली। थोड़ा सफरिंग दिख रही है एनर्जी में, अनस्टेबिलिटी दिख रही है, इनसिक्योरिटी दिख रही है, वो मनी को लेकर भी हो सकती है, हेल्थ को लेकर भी हो सकती है, फ्यूचर स्टेबिलिटी को लेके भी हो सकती है, डिसीजन रिलेशनशिप को लेके, क्योंकि हम यहाँ डिसीजंस ले रहे हैं। फाइव ऑफ पेंटिकल सेपरेशन कंपैटिबिलिटी इश्यूज भी बता रहा है, फाइट भी बता रहा है, वो रिलेशनशिप में हो या फैमिली में हो या मनी या करियर को लेके आप इनसिक्योर हो रहे हो। सो पाइसिस दिस इज द वीक जहाँ पर आपकी एनर्जी बहुत ही कन्फ्यूजिंग, डिस्टर्ब एंड ऐसे परेशान हो जाना, ऐसे सोचना क्या करें क्या नहीं करें, क्या बेस्ट है क्या रियलिस्टिक है, इस टाइम की कंडीशन सिचुएशन के बेसिस पे क्या बेस्ट होगा, इस तरीके से आप करियर में भी कुछ सोच सकते हैं एंड इवन अपने पर्सनल लाइफ में भी। ठीक है, क्योंकि जो एनर्जी है आपकी फाइव ऑफ पेंटिकल वो यहाँ पर दोनों पार्ट पे आ रही है, वो फाइनेंशियल लॉस हो जाना कुछ, या फिर फाइनेंशियली कुछ चीज़ों को लेकर स्ट्रेस ले लेना, या कहीं ना कहीं सेविंग को लेके सोचना, या फिर रिलेशनशिप या हेल्थ को लेके वरी करना। ऑल दो मुझे जो ज़्यादा चांसेस दिख रहे हैं पर्सनल लाइफ में थोड़ा सेटिस्फाई रहेंगे, आप अपने करियर को लेकर ही वरी करेंगे।
सो लेट मी चेक एज पर मूनलॉजी आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है. मूनलॉजी इज ऑल अबाउट लाइक यू नो द मून इमोशंस फीलिंग्स गाइडेंस थ्रू मून और आपका पाइसेस, आप तो खुद भी सिम्बोलाइजेज हैं. सो लेट मी चेक आपके लिए बेस्ट पॉसिबल. योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ. सो यू नो कहीं ना कहीं आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं फील करना है कि आप जो मेहनत कर रहे हैं उसका रिजल्ट नहीं मिलेगा. वरी मत कीजिए, अभी की सिचुएशन सिक्योरिटी इनसिक्योरिटीज जो भी लाइफ में चल रही हैं उनकी वजह से आपको ज़्यादा नेगेटिव नहीं होना है. आपका जो हार्डवर्क है, जो आपने डिसीजंस लिए हैं, जो प्लान किए हैं, वो आपको ज़रूर इन रिटर्न देंगे. आपके जो सीड्स आपने पुट ऑन किए हैं, मेहनत की है, उसका फल मिलेगा. ठीक है, सो दैट इज़ मोर लाइक स्वीटनेस. ठीक है, अनदर मैसेज फॉर यू, डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे. कहीं ना कहीं आपके लिए ऐसा दिख रहा है कि अपने ईगो को थोड़ा सा कंट्रोल में रखें. ठीक है, आपको कहीं ना कहीं दूसरे लोगों की ज़रूरत होगी. जहाँ आपने कन्फ्लिक्ट्स बनाए हैं, जहाँ पर आपने डिस्टरबेंस रखा है, जहाँ पे आपने ज़्यादा अपने आप को यू नो अगर ईगोइस्टिक रहे हैं, सो वो चीज़ आपके लिए सही नहीं है. दिस इज़ द टाइम अबाउट टू बी सोशल, मोर एंगेजमेंट, मोर इन्वॉल्वमेंट, मोर हैप्पी, लाइक एक फ्रेंडली बिहेवियर की ज़रूरत है. आपका जो प्राइड है यू नो उसको आगे नहीं आने दीजिए. अभी आपको बहुत आगे जाना है. बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ों को लेकर ही एकदम से एग्रेसिव होना या बहुत यू नो ऐसा फील करना कि दिस इज़ आई एम द किंग नाउ, ऐसा आपको नहीं फील करना है. अभी आपके लिए अभी बहुत बड़ी जर्नी है. तो हम अभी सोशल होना और जो नियर एंड डियर वंस हैं, जो सपोर्टिव हैं, उनके साथ अच्छा बनना होगा आपको. ठीक है, दैट इज़ वाई, मतलब हेल्प के लिए आपको इस चीज़ की ज़रूरत है. किंग ऑफ पेंटिकल, एक मेजॉरिटी के साथ डिसीजन लेना. फाइव ऑफ पेंटिकल वही बता रहा है, कन्फ्लिक्ट्स यू नो कोल्ड शोल्डर, कि जो आपको सपोर्ट कर रहा है वो सपोर्ट नहीं कर रहा है. तो आपको यहाँ कहीं ना कहीं अपनी तरफ से एक हार्मनी कंपैशन शो करना है, ईगो नहीं दिखाना है. ठीक है, सो दिस इज ऑल फॉर यू पाइसेस. आई होप दिस रीडिंग विल गोइंग टू रेजोनेट. और अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, पर्सनली अपने बारे में जानना चाहते हैं, सो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं www.lizasimi.com. ये मेरी वेबसाइट है. डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया हुआ है इसका, तो डेफिनेटली उस पर जाके आप अपने लिए रीडिंग बुक कर सकते हैं. एंड अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे, दिस इज़ योर फर्स्ट रीडिंग जो आप देख रहे हैं मेरी इस चैनल की, सो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर सच रीडिंग्स. सी यू अगेन, बाय.